So, hello guys, welcome to Let's Crack UPSC-CSE. This is Anirudh Malik. I welcome you all on Unacademy, India's largest online learning platform. So guys, from today, we are going to start another important topic of Indian geography, which we are going to talk about today, which are our plains. That is Indo-Gangetic Plain, Brahmaputra Plains. We will talk about it. And this is one of the most important topics. Today, we will talk about how our plains and their formation has happened. Our classification of these plains in different parts. How the formation of Bahabar, how the Khadar, how the Tarai, how the Bangar. We will talk about all the formation. Then, we will talk about how much width is in which area, where it is covered. Then, we will east to west, how the division of Northern Plains. कौन से सिंध प्लेन्स है, कौन से राजस्थान प्लेन्स है, कौन से पंजाब प्लेन है, कौन कौन सी रिवर इन प्लेन को फॉर्मेशन करती है, और बेसिकली जो इंपॉर्टेंट थ्री रिवर्स है, दैट इज इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, वो कौन कौन से प्लेन का फॉर्मेशन कर रही है, सारी चीजों को क्लासिफाइड करके बहुत डिटेल में हम चीजों को कवर करने वाले हैं. तो बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत अच्छी क्लास होने वाली है. आज का जो हमारे इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है ये, और आपको पता चुका हूं प्रीवियसली जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने नदन माउंटेन्स को डिस्कस किया था. अगर आपने क्लास मिस कर दी है तो प्लीज उसे ज्वाइन जरूर कर ले. After that, के बाद वहीं पर अगर मैं बात करूं Unacademy सब्सक्रिप्शन के बारे में, Unacademy सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स के बारे में, आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव टेस्ट क्विजेस मिलेंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगी. जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होते आप अगेन एंड अगेन चीजों को कवर कर सकते हैं. वहीं पर एजुकेटर्स के बारे में बात करें, इंडिया के टॉप 100+ एजुकेटर्स नाउ अवेलेबल ऑन Unacademy. सो सारे सब्सक्रिप्शन पे बेस्ट एजुकेटर्स अवेलेबल है, सारे कोर्सेज है मेरे भी, आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी NCERT कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है जो प्लस सब्सक्रिप्शन है. वहीं पर हम बात करें गाइस, अगर Unacademy का जो प्लस सब्सक्रिप्शन है उसकी वन ईयर की फीस है 49,500 एंड व्हेन यूज द कोड कैपिटल AM10 यू विल गेट इंस्टेंट 10% डिस्काउंट. आपकी फीस हो जाती है 44,550. फॉर टू ईयर आपकी फीस है 72,000 आफ्टर यूजिंग द कोड AM10 64,800. वहीं पर थ्री ईयर की आपकी फीस हो जाती है 81,000 आफ्टर यूजिंग द कोड AM10. सो गाइज आपको याद रखना है, अगर आप 12th क्लास के एंड में है या अगर आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में, तो आप 3 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. अदरवाइज 1 से लेके 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपके लिए बेस्ट होगा आपकी एंटायर प्रिपरेशन के लिए. वहीं पर हम बात करें Unacademy का एक और बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन है, दैट इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. अगर मैं इस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के एडवांटेजेस के बारे में बात करूं जो कि प्लस सब्सक्रिप्शन से एक्स्ट्रा मिलने हैं, आपको पर्सनल कोच मिलेगा. बेसिकली जो यूपीएससी की प्रिपरेशन है वो बहुत ही वाइड प्रिपरेशन है, एक छोटा सा कोर्स नहीं है, अनलिमिटेड कोर्स है, बहुत वाइड कोर्स है, काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कवर होने हैं. तो आपको एक गाइडेंस की, एक मेंटर की रिक्वायरमेंट है. सो वो आपको मेंटर पर्सनल कोच मिलेगा. यहाँ पर डेली मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मिलेगी, क्योंकि पूरा कंटेंट है वो आपका मेंस का, वो सब्जेक्टिव होता है. तो आपको पता होना चाहिए एक अच्छा और एक अच्छे आंसर लिखने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है और कैसे लिखा जाता है. प्रॉपर स्टडी प्लानर मिलेगा, कैसे चीजों को प्लान करके पढ़ना है, और पर्सनलाइज फीडबैक मिलेगी क्या आप अपनी प्रिपरेशन सही तरीके से कर रहे हैं, यस या नो. वहीं पर हम बात करें गाइस, वन ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है Unacademy आइकोनिक वो 69,500 है, एंड व्हेन यूज द कोड कैपिटल AM10 यू विल गेट इंस्टेंट 10% डिस्काउंट. आपकी फीस हो जाती है 62,550. वहीं पर टू ईयर की 1,07,000 आफ्टर यूजिंग द कोड 96,300, और थ्री ईयर की 1,47,000. सो गाइस डिले मत कीजिए. वहीं पर अगर मैं बात करूं जो वन ईयर की आइकोनिक की फीस है वो आपकी 62,550 बैठती है आफ्टर यूजिंग द कोड. वहीं पर जो ऑफलाइन क्लासेस हैं जितनी भी आपकी दिल्ली की, वहां पर आपकी ऑफलाइन क्लासेस की फीस इंक्लूडिंग ऑप्शनल अप्रोक्स 2 लाख है. तो गाइस बहुत ज्यादा डिफरेंस है. और वहीं पर मैं बात करूं जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो बहुत ही अच्छी है Unacademy पे. सारे बेस्ट फैकल्टीज अवेलेबल हैं, ऑफलाइन के भी, ऑनलाइन के भी. और एक मेथड होता है जो वीडियो ऑडियो फॉर्म में पढ़ने का, वो ज्यादा बेटर होता है कंपेयर टू अगर मैं बात करूं ऑफलाइन क्लासेस के. लॉन्ग टाइम तक आप चीजों को रिमेंबर करते हो इमेजेस के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, तो बहुत अच्छे से आपकी एजुकेशन और पूरी प्रिपरेशन यहाँ पर कंटिन्यू रहेगी. वहीं पर मैं बात करूं ऑप्शनल भी आपके सारे कवर है, पॉलिटिकल साइंस हो गया, पब एड हो गया, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, वहीं पर लिटरेचर, मैथिली, हिंदी, कन्नड़ एंड मैनी मोर ऑप्शनल आपके इंक्लूडेड है. वहीं पर ऑप्शनल की जो फीस है वो वन ईयर की 27,500 है,
when you use the code capital AM10, 10% discount, add on 2 की 40 and 3 year की 50,000 है और code करने के बाद आपको 10% का discount मिलेगा. So AM10 code use कीजिए as a mentor guide, हर end पे मैं आपकी preparation में help करने वाला हूँ. So हम बात करते हैं जो आज का हमारा topic है, that is Indo-Gangetic and Brahmaputra Plains. क्या होते हैं इंडो-गैंगेटिक ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे बने, कैसे फॉर्मड हुए, एक एक चीज को बहुत डिटेल में हम कवर करने वाले. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक एक करके कि हमारे जो प्लेन्स है बेसिकली उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, क्या वो माउंटेन से पहले फॉर्मड हुए या माउंटेन बनने के बाद फॉर्मड हुए, अगर वो बने तो कैसे बने, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले. देखिए बेसिकली अब मैं आपको एक बहुत सिंपल सी चीजें बताने की कोशिश करता हूँ. द फॉर्मेशन ऑफ इंडो-गैंगेटिक प्लेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ. देखिए जो हमारा इंडो-गैंगेटिक प्लेन है उसका फॉर्मेशन हमारा हुआ हिमालय के फॉर्मेशन के बाद में. दैट मीन्स अगर मैं बात करूं जो हमारे हिमालय का फॉर्मेशन है, एज यू ऑल नो 47 मिलियन ईयर्स पहले हुआ. आप सब लोग जानते हैं हमारी हिमालय का फॉर्मेशन 47 मिलियन ईयर्स एगो हुआ. और अगर हिमालय का फॉर्मेशन पहले हुआ तो हिमालय के फॉर्मेशन के बाद ही आपका प्लेन का फॉर्मेशन हुआ. क्यों सर ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज जो आपके प्लेन्स हैं वो जो सेडिमेंट्स हैं वो रिवर्स हिमालय से सेडिमेंट्स लेके आई तभी तो प्लेन का फॉर्मेशन हुआ. अब सर कैसे फॉर्मड हुआ तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. आपको बहुत अच्छे से मैं चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि हमारे जो प्लेन्स हैं उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ. अगर देखिए आप एक चीज समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको पता है टैथियस सी था, जो टैथियस सी था उसके बारे में आपको सबको पता होगा. और आपको ये भी बता चुका हूं मैं आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी वो यूरेशियन प्लेट से टकराई थी, एज यू ऑल नो. अब चीजों को समझने की कोशिश करना कि हमारे प्लेन्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ. देखिए गाइस बेसिकली अगर मैं बात करूं यहां पर हमारी इंडियन प्लेट थी वो मूव कर रही थी टूवर्ड्स द नदन साइड, वो नदन साइड मूव कर रही थी. और यहां पर थी हमारी यूरेशियन प्लेट, समझने की कोशिश करना, यहां पर थी हमारी यूरेशियन प्लेट और बीच में था इसके टैथियस सी. एज यू ऑल नो कौन सा सी था, टैथियस सी. तो अब क्या होता है गाइज, जब हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट मूव करती है टूवर्ड्स द टैथियस सी, यहां पर यूरेशियन प्लेट है ये स्टैंड स्टिल है और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपकी मूव कर रही है टूवर्ड्स द यूरेशियन प्लेट, बीच में टैथियस सी है, बीच में टैथियस सी है. और आपको पता होगा कि जो टैथियस सी है, टैथियस सी है, टैथियस सी से पहले ही आपकी यहां पर जो रिवर्स थी आपकी यूरेशियन प्लेट में या यूरेशियन प्लेटू था जो भी था यहां पर, ये रिवर्स फ्लो करती होंगी. और वो रिवर्स अपना वाटर कहां पर ड्रेन करती थी, टैथियस सी में. वो कहां पर ड्रेन करती थी, टैथियस सी में. तो जो रिवर्स अपना वाटर ड्रेन करती थी तो अपने साथ सेडिमेंट्स भी लेके आती होंगी, बताइए यस और नो. जब रिवर्स अपने साथ फ्लो कर रही है वो अपने साथ सेडिमेंट्स भी लेके आती होंगी. अब वो सेडिमेंट्स लाके अपना सेडिमेंट टैथियस सी में डिपोजिट करना स्टार्ट कर दिया उसने, ठीक है, टैथियस सी में उसने डिपॉजिट करना स्टार्ट कर दिया. देन सडनली क्या हुआ, आपकी ये यूरेशियन प्लेट है यहां से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट मूव करती है. सो जो टैथियस सी के सेडिमेंट्स वाला पार्ट था वो कोलाइड होते हुए जब कंप्रेशन फोर्स लगा उसके सेडिमेंट्स कलेक्ट होते चले गए इस फॉर्म में और आपकी हिमालय का फॉर्मेशन हुआ. आप एक चीज बताइए, ये प्लेट है कौन सी, कॉन्टिनेंटल प्लेट, ये भी कॉन्टिनेंटल प्लेट है. जब दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकराएंगी तो दोनों क्या है, आपकी हार्ड रॉक है, तो कोई भी आपकी सबडक्ट नहीं होगी नीचे की तरफ. तो सबडक्ट होने की जगह ये कोलाइड करेंगी और कोलाइड करने के बाद जो टैथियस सी है उसमें जो सेडिमेंट्स थे वो सेडिमेंट्स टकराने के बाद आपके इमर्स करना स्टार्ट कर देंगे और हिमालय का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा. क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, हिमालय का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा. अब क्या हुआ, अब हमारे हिमालय बन गए. अब समझने की कोशिश करना, आप पीछे आ जाइए दोबारा, अब आप पीछे आइए एक बार. अब हमारे हिमालय का फॉर्मेशन हो गया यहां पर हमारा. यहां पर अगर मैं चीजों को समझाने की कोशिश करूं, एक मिनट वेट कीजिए. अब क्या हो गया, हमारे हिमालय का फॉर्मेशन हो गया. अब आप एक चीज बताइए, यहां पर हमारे हिमालय बन गए, जो टैथियस सी था उसके सेडिमेंट्स ऊपर आ गए हिमालय के. अब क्या हुआ, यहां पर हमारी रिवर्स फ्लो हो रही थी पहले से ही, पहले से ही रिवर फ्लो हो रही थी आपको पता होगा. अब जो रिवर्स पहले से ही फ्लो हो रही थी अब वो क्या करेंगी, जब यहां पर माउंटेन का फॉर्मेशन हो गया, आइदर वो अपने पाथ को मूव करके दूसरी जगह मूव करना स्टार्ट कर देंगी या वो ऐसा करेंगी जो माउंटेन्स है इन्हें कट करना स्टार्ट करेंगी. तो यही रीजन हुआ कि जो हमारी रिवर्स थी उन्होंने जो हमारे हिमालय थे
उन्हें कट करना स्टार्ट कर दिया। हमारी जो रिवर्स थी, दैट मीन जो हमारी रिवर्स थी वो ओल्डर थी, हमारी जो रिवर्स थी वो ओल्डर थी, वो पुरानी थी। किससे पुरानी थी? सर वो हमारी पुरानी थी हिमालय से। दैट मीन जो हमारी इंडस रिवर्स थी और इसकी ट्रिब्यूटरीज थी, ये हमारी हिमालय से भी पहले की रिवर्स थी। तो ये ओल्डर रिवर्स थी, तो इन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, इन्होंने हिमालय को कट करना स्टार्ट किया और अपने पाथ का फॉर्मेशन स्टार्ट किया। दैट्स व्हाई हम इन रिवर को कहते हैं एंटीसीडेंट रिवर। एंटीसीडेंट रिवर मींस इन रिवर्स ने अपना पाथ को बनाया दोबारे। ये अपने माउंटेन्स के आने से अपने पाथ को डिफ्लेक्ट नहीं किया, नए पाथ के फॉर्मेशन किया इन्होंने। समझ में आया? गॉट इट माई पॉइंट? अब क्या हुआ, जो तेथियस सी था, देखिए ये दोबारे में समझाता हूं, बहुत आराम आराम से क्लियर करेंगे। आप एक बार पहले इसकी पीपीटी में जो चीज मेंशन है उसे समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इन्होंने बोला कि पहले द रिवर्स विच वर प्रीवियसली फ्लोइंग इनटू द तेथियस सी, जो तेथियस सी में फ्लो करती थी, सेडिमेंट्स लेके जाती थी। अब बीच का जो तेथियस सी का पार्ट है, जब दोनों प्लेट टकराई, उनके सेडिमेंट्स टकराने से क्या हुआ, वो राइज करके हिमालय पे आ गए, ठीक है। तो कब? जब बिफोर इंडियन प्लेट कोलाइड विद यूरेशियन प्लेट। अब क्या हुआ, जो तेथियस सी का डिपोजिशन था, अब सेडिमेंट्स का क्रिएशन होना स्टार्ट हुआ। अब देखना क्या हुआ, अब ये मेरा यूरेशियन प्लेट है, ये बीच में तेथियस सी है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अब जब ये दोनों प्लेट आपस में टकराते हैं, तो बीच में तो ये ऊपर वाला पार्ट हिमालय का फॉर्मेशन ले लेता है, बट टकराने के बाद जो नीचे का एरिया है, फुटहिल से हिमालय की, यहां पर एक बन जाता है जियोसिंक्लाइन। क्या बन जाता है? जियोसिंक्लाइन एरिया बन जाता है, जो कि हार्ड क्रिस्टलाइन रॉक के नीचे है। दैट मीन जब आपकी यहां पर, ये तो थी यूरेशियन प्लेट, और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बनने से हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, तो यहां पर एक जियोसिंक्लाइन, मतलब एक गड्ढा टाइप में वहां पर क्रिएट हो गया। क्या क्रिएट हो गया? जियोसिंक्लाइन स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। नोट माई पॉइंट, जियोसिंक्लाइन स्ट्रक्चर। यहां पर एक यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट, बीच में तेथियस सी, उसके सेडिमेंट्स जब दोनों प्लेट टकराई, राइज करना स्टार्ट किया, हिमालय का फॉर्मेशन हो गया। और इसके इधर वाले पॉइंट पर आप नोटिस कीजिए, जहां पर आपका हिमालय के फुटहिल्स है, यानी कि जहां पर शिवालिक के फुटहिल्स है, उसके नीचे एक जियोसिंक्लाइन स्ट्रक्चर बन गया। और वो जियोसिंक्लाइन स्ट्रक्चर क्या था? एक गड्ढे के फॉर्म में बन गया, एक क्या बन गया, एक डेप्थ की फॉर्म में जियोसिंक्लाइन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ। देन जियोसिंक्लाइन स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन होने से क्या हुआ, अब क्या होना था, अब देखिए यहां पर पॉइंट है जो डिस्कशन का। अब क्या होता है, जब हमारी रिवर्स थी जो पहले से फ्लो कर रही थी, जिनका सेडिमेंट्स कहां जा रहा था, जिनका सेडिमेंट जा रहा था आपका तेथियस सी में, अब हिमालय का फॉर्मेशन हो गया, तेथियस सी तो खत्म हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, इन रिवर्स ने हिमालय को कट करना स्टार्ट कर दिया, इन रिवर्स ने हिमालय को कट करना स्टार्ट कर दिया। अब रिवर ने हिमालय को कट करना स्टार्ट कर दिया, तो ये फ्लो करना स्टार्ट कर दिया। और आपको पता है हिमालय किससे बना है? हिमालय सेडिमेंट्स से ही तो बना है, हिमालय रॉक्स से ही तो बना है। अब जो रिवर्स फ्लो हो रही थी, उनकी स्पीड क्या हुई, इंक्रीज होने लगी, जैसे ही वो आपकी डाउनवर्ड स्लोप में फ्लो होने लगी। अब रिवर स्लोप में फ्लो हो रही है, तो उनकी स्पीड इंक्रीज हो गई और ग्लेशियर मेल्ट करने लगे। ग्लेशियर मेल्ट करने से उनमें वाटर की जो एबिलिटी है वो इंक्रीज हो गई, वाटर की एबिलिटी इंक्रीज हो गई। अब वाटर लेवल इंक्रीज हो गया, तो इन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, इरोजन। रिवर ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, अपने साथ इरोजन। और इरोजन करते करते अपने साथ उन्होंने क्या किया, फ्लूवियल डिपोजिट किया। अब बात करोगे, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लूवियल और एलुवियल? जो फ्लूवियल होता है, इसका मतलब होता है कि आपका जो रिवर है, जो फ्लो कर रही है, वो अपने साथ जो सेडिमेंट्स लेके चलती है, उसे कहते हैं फ्लूवियल, उसे बोलते हैं फ्लूवियल। नोट माय पॉइंट, उसे क्या बोलते हैं, फ्लूवियल। तो रिवर ने क्या किया, अपने साथ फ्लूवियल डिपोजिट लेके जो जियोसिंक्लाइन एरिया था, जो गड्ढा टाइप में था, वहां पर वो सेडिमेंट डिपोजिट करना स्टार्ट कर दिए। वहां पर क्या करना स्टार्ट कर दिया, सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करना स्टार्ट कर दिया। अब ये सेडिमेंट्स यहां पर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गया, तो ये एरिया फिलअप हो गया और यहां पर बना प्लेन, और इसे कहते हैं हम नॉर्थ इंडियन प्लेन। क्या बोलते हैं, द ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन। अब क्वेश्चन बनता है, सर ये कहां से कहां तक है, कहां से कहां तक है? तो आपको पता होना चाहिए, जो ग्रेट इंडियन नॉर्थ इंडियन प्लेन है, वो आपका इंडस रिवर से लेके
तीस्ता रिवर तक आपका स्प्रेड है, जो कि टोटल 32 किलोमीटर ब्रॉड है, या आपके जो उसकी फैला हुआ है वो 3200 किलोमीटर फैला हुआ है। तीस्ता रिवर से लेके इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज, बीच में गंगा भी है, इनके बीच का जो एरिया है उसे नॉर्थ इंडियन प्लेन कहते हैं। और तीस्ता आप मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट मेंशन कीजिए किसकी ट्रिब्यूटरी है, फटाफट जल्दी से मेंशन कीजिए तीस्ता किसकी ट्रिब्यूटरी है। एज यू ऑल नो, हमने पहले भी पढ़ चुके हैं और आने वाले जब इंडियन ज्योग्राफी में हम ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जब हम पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बात करेंगे और हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बात करेंगे, देन वी विल डिस्कस अबाउट द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को डिस्कस करने में हम बात करेंगे तीस्ता रिवर के बारे में, जो कि ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की। तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर है वो अपना एक प्लेन बनाती है कहां पर, आसाम वाले एरिया में। सो आसाम हो गया आपका, राजस्थान हो गया आपका, उसके बाद अगर हम बात करें बिहार हो गया, यूपी हो गया, पंजाब हो गया, इन पूरे एरिया में ये रिवर्स अपने ऊपर से सेडिमेंट्स लेके आती है, और जो ये जियोसिंक्लाइन एरिया था यहां पर वो सेडिमेंट डिपॉजिट किए और नॉर्थ इंडियन प्लेन का फॉर्मेशन किया। किसका फॉर्मेशन किया? नॉर्थ इंडियन प्लेन का फॉर्मेशन किया। बट द मेन क्वेश्चन एंड द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकता है कि कौन पुराने हैं, माउंटेन पुराने हैं या इंडियन ग्रेट इंडियन प्लेन पुराना है, तो आपका आंसर होना चाहिए सर जो हमारे नदन माउंटेन्स है वो ओल्डर है कंपेयर टू ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन, बिकॉज जब हमारे माउंटेन्स बने तो उन्हीं माउंटेन से जो हमारी रिवर्स ने क्या किया, इरोजन किया सेडिमेंट्स का, वही इरोजन से हमारा जो जियोसिंक्लाइन स्ट्रक्चर था वो फिलअप हुए और हमारे प्लेन का फॉर्मेशन हुआ, हमारे प्लेन का फॉर्मेशन हुआ। तो बेसिकली आपको यहां तक एक ओवरव्यू क्लियर हो गया होगा जो मैंने डिस्कस करने की कोशिश की कि हमारे ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ। गॉट इट? यस और नो? क्लियर है? ठीक है, यस और नो? ओके, तो मैंने डिस्कस कर लिया कि हमारे जो हिमालय है वो आपको पता होगा, जब हमने नॉर्थ इंडियन माउंटेन्स के बारे में बात की थी तो हमने हिमालय का डिवीजन भी तीन तरीके से किया था, जिसमें हमने सबसे पहले बात की थी जो नदन पार्ट है ये वाला, उसे हमने कहा था ग्रेट हिमालयस और हिमाद्री। उसके बाद हमारा जो नीचे है उसे हमने कहा था लेसर हिमालय एंड हिमाचल, और उसके बाद जो सबसे नीचे वाला पार्ट है शिवालिक, जिसे हम क्या कहते हैं, शिवालिक और आउटर हिमालय, और इसी शिवालिक के नीचे जो फुटहिल्स है हमारा स्टार्ट हो जाता है नदन इंडियन प्लेन, जिसको हम क्लासिफाइड करेंगे चार पार्ट में, जिसमें एक होगा बांगर, एक होगा हमारा खादर, एक होगा तराई और एक होगा भाभर। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे एक एक करके बहुत अच्छे से, कैसे इनका फॉर्मेशन हुआ, कहां पर रिवर रीमर्ज होती है, कौन एग्रीकल्चर के लिए अच्छा है और कौन एग्रीकल्चर के लिए नहीं अच्छा है। ठीक है, तो याद रखना व्हाट इज फ्लूवियल प्लेन। अगर मैं बात करूं फ्लूवियल क्या है, तो आपको बात रखनी है याद कि सर जो रिवर्स है वो अपने साथ जो भी इरोजन करके सेडिमेंट्स लाती है उन्हें बोलते हैं फ्लूवियल। ठीक है, ओके, फ्लूवियल मींस जो इरोजन हो रहा है बाय द एक्टिविटी ऑफ रिवर्स, रिवर्स की एक्टिविटी से, समझ में आ गया। उसके बाद एक क्वेश्चन और याद रख लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, अदरवाइज हम आगे पीपीटी के साथ एक एक चीज हम पढ़ने वाले हैं। अब क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज एग्रीडेशनल प्लेन, एग्रीडेशनल प्लेन क्या होता है। ठीक है, एग्रीडेशनल प्लेन होता है कि जो प्लेन आपका फॉर्म्ड हुआ हो, जो प्लेन आपका फॉर्म्ड हुआ हो ड्यू टू डिपोजिशनल एक्टिविटीज, जो प्लेन आपका फॉर्म्ड हुआ हो ड्यू टू डिपोजिशनल एक्टिविटीज, दैट मीन जो रिवर फ्लो कर रही थी उसने जो सेडिमेंट्स थे उससे जो प्लेन्स का फॉर्मेशन किया उसे हम बोलते हैं एग्रीडेशनल प्लेन। क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज एग्रीडेशनल प्लेन। तो आपको बताना है जो हमारे नॉर्थ इंडियन प्लेन है, ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन है, हम इसे एग्रीडेशनल प्लेन भी बोल सकते हैं। दैट मीन्स जो हमारी थ्री इंपॉर्टेंट रिवर्स है, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, इन तीनों रिवर्स और इनकी ट्रिब्यूटरीज ने जो प्लेन का फॉर्मेशन किया उसे हम बोलेंगे एग्रीडेशनल प्लेन। क्लियर? यस और नो? चीजें समझ आ रही है मुझे, ये बताइए, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज्योग्राफी है और ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन सा क्या पार्ट है, कौन एग्रीडेशनल प्लेन है, कौन क्या चीज है। फिर हम बात करेंगे कि प्लेन्स को किस किस एरिया में किस किस नाम से जाना जाता है, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कंफ्यूज मत होइए, चीजों को बस समझते जाइए, लाइक शेयर करते जाइए और इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा। ठीक है, अब ये पॉइंट हो गया हमारा यहाँ का।
आपको मेरे अकॉर्डिंग चीजें समझ में आ गई होंगी जो मैंने डिस्कस की। ठीक है, हमने 33 सी, उसके बाद हम बात करते हैं, आ जाइए फटाफट। अब हम क्या बात कर रहे हैं, द हिमालयस आर फॉर्म्ड आउट ऑफ दीज सेडिमेंट विच वर अपलिफ्टेड, जो सेडिमेंट थे 33 सी के बीच में और जो आपस में दोनों प्लेट टकराई थी, तो उनके अपलिफ्टमेंट के कारण हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। जब आपकी दोनों प्लेट में कंप्रेशन फोर्स लगा और कंप्रेशन फोर्स लगने के कारण जो इंडियन प्लेट थी वो नदन साइड में मूव की, क्योंकि यूरेशियन प्लेट तो स्टैंड स्टिल थी और आपकी इंडियन प्लेट टकराती है। ठीक है, तो आपका जो नदन मूवमेंट हुआ इंडियन प्लेट का, तो वो एक ट्रफ क्रिएट करती है। क्या क्रिएट करती है? ट्रफ क्रिएट कर दिए टूवर्ड्स द साउथ ऑफ हिमालय, दैट मींस एट द फुटहिल ऑफ शिवालिक, शिवालिक के फुटहिल्स पे एक ट्रफ क्रिएट करती है, और उस ट्रफ को हम बोलते हैं जियोसिंक्लाइन स्ट्रक्चर, ये जियोसिंक्लाइन लेयर। और उसी जियोसिंक्लाइन में जो आपका एल्यूवियल हुआ, जो आपकी रिवर ने इरोजन किया, वो इरोजनल एक्टिविटी के कारण जो भी सेडिमेंट डिपॉजिट हुए वहां पर फॉर्मेशन हुआ ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन का। और इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन तीनों रिवर और उनकी सहायक नदियां, उनकी ट्रिब्यूटरीज ने उनमें सेडिमेंट डिपॉजिट करते चले गए, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रैक्ट, वर्ल्ड का ट्रैक्ट मतलब लार्जेस्ट एरिया कवर करते हुए पूरा 3200 किलोमीटर का आपका ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन का फॉर्मेशन किया। और ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेट, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडिया का यंगेस्ट फिजियोग्राफी फीचर कौन सा है, अब आपका क्वेश्चन बनेगा सर व्हाट इज फिजियोग्राफी फीचर। अब हम बात करते हैं कि हमारा माउंटेन्स हो गए, हमारे डेजर्ट्स हो गए, हमारे प्लेन्स हो गए, हमारे प्लेट्यूज हो गए, हमारे कोस्टल आइलैंड्स, कोस्टल प्लेन्स हो गए, हमारे आइलैंड्स हो गए, इन्हें क्या बोलते हैं हम, ये हमारे फिजियोग्राफी स्ट्रक्चर्ड है। तो उन फिजियोग्राफी स्ट्रक्चर्ड में जो सबसे यंगेस्ट है और सबसे बाद में फॉर्मेशन हुआ है, वो है आपके ग्रेट इंडियन प्लेन, जिसे हम आज पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसके बारे में हम आज पढ़ रहे हैं। अब क्वेश्चन एक और बन सकता है कि सर ये बताइए, क्वेश्चन क्या बनेगा कि एक एरिया है, एक एरिया है जो कि शिवालिक के फुटहिल्स, शिवालिक के फुटहिल्स, समझने की कोशिश करना, एक एरिया है जो कि शिवालिक के फुटहिल्स और आपके पेरेंसुलर प्लेट्यू के बीच में कवर करता है, उस एरिया का नाम बताइए। तो आपको बताना है नॉर्थ इंडियन प्लेन लाइज टूवर्ड्स द साउथ ऑफ हिमालय और शिवालिक फुटहिल्स और बिटवीन द पेनिनसुलर प्लेटू एंड शिवालिक और हिमालय, हिमालय पेनिनसुलर प्लेटू के बीच के एरिया को कवर करता है आपका ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन। क्वेश्चन पूछा जाए ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन के नॉर्थ में क्या है, आपको बताना है हिमालय और शिवालिक माउंटेन रेंज, और इसके साथ साउथ, साउथ में है पेनिनसुलर प्लेटू, इसके साउथ में है पेनिनसुलर प्लेटू। आप देख भी चुके हैं इमेजेस में, दोबारा देख लीजिए। अगर मैं बात करूं, ये रहा हमारा पेनिनसुलर प्लेटू जो, और इसके नॉर्थ में है हिमालय और बीच में है इंडो गैंगेटिक एंड ब्रह्मपुत्रा प्लेट। व्हाट इज माय पॉइंट, क्लियर है? अब हम बात करते हैं डिपोजिशनल एक्टिविटीज। व्हाट इज डिपोजिशनल एक्टिविटीज, क्या चीज होती है, कैसे होती है? सबसे पहले दो तीन पॉइंट और बन ले। अगर आपको पता हो कि प्लेन, जैसे हमने बात की थी, जो एवरेज आपका प्लेटू होता है जिसकी हाइट 1000 या 600 मीटर के बीच में होती है, हम उसे प्लेटू बोलते हैं, इससे ज्यादा हो जाती है तो हम माउंटेन्स बोलने लगते हैं, पीक्स बोलने लगते हैं। सेम इसी तरह अगर एवरेज हाइट है जिस एरिया, अगर हम बोलेंगे, क्वेश्चन आ जाएगा कि एवरेज हाइट ऑफ प्लेन क्या है, तो आपको बताना है सर जो एवरेज हाइट है प्लेन की वो 200 मीटर है, कहीं पर ये 100 मीटर भी है और कहीं पर ये 250 मीटर भी है। तो जो एवरेज हाइट है आपकी ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन की वो 200 मीटर है। अब बोलोगे सर कैसे, आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे बोर्ड लिखा होता है कि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, जिसकी सी लेवल से हाइट है 250 मीटर, सी लेवल से हाइट है 150 मीटर, सी लेवल से हाइट है 380 मीटर। दैट मींस कि जो उसकी हाइट है ना, एवरेज एलिवेशन है उस प्लेन का, तो वो सी लेवल से इतना ऊपर है। समझ में आ गया? वो सी लेवल, अगर आप कभी भी जाएंगे, आज तक कभी नोटिस ना किया हो, आगे नोटिस करना, दैट मींस उस प्लेन की, उस एरिया की, उस स्टेट की या उस डिस्ट्रिक्ट की या जहां पर वो रेलवे स्टेशन है उस एरिया की जो एवरेज एलिवेशन है वो सी लेवल से इतना ऊपर है। समझ में आ गया? तो अब हम बात करते हैं कि हमारा ये कैसे फॉर्म्ड हुए, एक एक चीज करके मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, परेशान मत होइए इस चीज में। अभी तक चीजें क्लियर है? गॉट इट?
अगर कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और गाइस फिर बोल रहा हूँ, अगर आप सीरियस हो चीजों को अच्छे से करना है तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, बहुत ही बेनिफिशियल है। ये कोड आपको दिख रहा है नीचे, कैपिटल AM10, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं मेरा, दैट इज Unacademy_AnirudhMalik PDF और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन अपडेट्स के लिए। और गाइस एक और बहुत अच्छी न्यूज है आप लोगों के लिए, इंडियन पॉलिटी की हमने सीरीज स्टार्ट कर दी है। आज मॉर्निंग में हमने 11 AM पे लेक्चर लिया, जिसमें हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात की कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहां कहां से कौन कौन से जो ब्रिटिश इंडिया थे, ब्रिटिश क्राउन था, उनके कौन कौन से एक्ट थे, कौन कौन से रेगुलेशंस थे जिनसे हमने चीजें ली, और कैसे कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हुआ, वो हमने मॉर्निंग की क्लास में डिस्कस किया था। तो इस चीज को प्लीज मिस मत करना, एवरी मॉर्निंग 11 AM आपकी फ्री स्पेशल क्लास है अनअकैडमी ऐप पर, वहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। हम पूरी इंडियन पॉलिटी प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए कंप्लीट करेंगे। आज आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस था, हम चीजों को बहुत अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे डिपोजिशनल एक्टिविटीज के बारे में। तो ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेजेस ऑफ अपलिफ्टमेंट ऑफ सेडिमेंट्स, दैट मीन ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेजेस ऑफ अपलिफ्टमेंट ऑफ सेडिमेंट्स, आपको पता है इनिशियल स्टेज में टेथियस सी था, अपलिफ्टमेंट हुई, तो अपलिफ्टमेंट होने के कारण जो रिवर्स थी अपने यूथफुल स्टेज में थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो माउंटेन्स थे उन्हें कट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, उन्होंने कट करना स्टार्ट कर दिया। और कट करने के साथ जो रिवर थी उन्होंने इरोजन दो टाइप से किया, रिवर ने इरोजन क्या किया, दो टाइप से किया। अब बोलती हो सर दो टाइप से कैसे इरोजन हुआ, एक तो होता है वर्टिकल इरोजन। वर्टिकल इरोजन मीन जब रिवर ऊपर से फॉल हो रही है, कहां से, ऊपर से माउंटेन से नीचे की तरफ, तो क्या करेगी, ये नीचे की तरफ इरोजन करेगी, नीचे की रॉक को या नीचे के पार्ट को इरोज करेगी और इसकी डेप्थ को इंक्रीज करेगी। इसे हम बोलते हैं वर्टिकल इरोजन और हेडवर्ड इरोजन। क्या बोलते हैं, वर्टिकल और हेडवर्ड। उसके बाद आता है आपका हॉरिजॉन्टल इरोजन, जब रिवर अपने यूथफुल स्टेज से बाद में जाके ओल्डर या मैच्योर स्टेज में पहुंच जाती है, तो वो करती है हॉरिजॉन्टल इरोजन, दैट मींस साइडवेज इरोजन। इरोजन कहां से करेगी, इधर की तरफ। यूथफुल स्टेज में रिवर क्या होती है, नीचे की तरफ उसकी डेप्थ ज्यादा होती है, बट जैसे ही रिवर फर्दर मूव करती है फॉरवर्ड, तो वो साइडवेज इरोजन करती है, वो हॉरिजॉन्टल इरोजन करती है, और यंग फुल और यूथफुल स्टेज में रिवर्स वर्टिकल इरोजन करती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो क्या हुआ, रिवर आपकी दो इरोजन करती है, जिसमें पहला इरोजन है हेडवर्ड इरोजन और वर्टिकल इरोजन, जिसमें डाउन कटिंग करती है सॉफ्ट लेयर को हार्ड रॉक के ऊपर से, ठीक है, जिसके ऊपर जो इनिशियल स्टेजेस है उसमें रिवर वैलीज बनती हैं। दैट मीन जब ये रिवर है ऊपर से फ्लो करेगी तो रिवर की वैली बनेगी, यानी कि वी शेप्ड वैली बनेगी, क्योंकि रिवर ऊपर से फॉल होगी तो नीचे तक वर्टिकल इरोजन करेगी। दैट मीन्स रिवर की जो डेप्थ होगी वो आपकी ज्यादा होगी, रिवर की डेप्थ ज्यादा होगी, बट जैसे जैसे रिवर फर्दर मूव करती चली जाएगी तो उसमें लैटरल इरोजन होना स्टार्ट हो जाएगा, दैट मीन्स साइडवे इरोजन स्टार्ट हो जाएगा, आपकी रिवर साइड में से इरोजन करना स्टार्ट कर देगी, दैट मीन्स जो उसकी ब्रॉडनेस है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी जैसे जैसे वो अपनी मैच्योर स्टेज में और ओल्डर स्टेज में जाना स्टार्ट कर देगी। Got it? तो इस तरह आपकी रिवर्स क्या करती है, डिपोजिशनल एक्टिविटीज करती है। पहला हमने बात की हेडवर्ड इरोजन की, तो हेडवर्ड इरोजन हमेशा वहां होगा जहां पर रिवर अपना ओरिजिन करेगी। तो याद रखना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन बन सकता है कि हेडवर्ड इरोजन है वो रिवर अपने मैच्योर स्टेज में करती है, तो आप यहां पर गलत हो जाएंगे। नहीं सर, जो हेडवर्ड इरोजन है, जो वर्टिकल इरोजन है, कॉमन सेंस है सर, साइंस है, सब कुछ साइंस है, कॉमन सेंस लगाइए, चीजें क्लियर होती चली जाएगी कि सर जो हेडवर्ड इरोजन है वो रिवर हमेशा वहां करेगी जहां से रिवर ओरिजिन ऑफ द स्ट्रीम होती है। क्यों सर, वो अपनी यंग स्टेज में होती है, वो अपनी यूथफुल स्टेज में होती है, उसकी स्पीड बहुत हाई होती है, वो आपकी रॉक्स को इजिली कट कर सकती है और वो नीचे तक कट कर सकती है, उसके बाद आपकी स्ट्रीम फ्लो करती है और धीरे धीरे जैसे जैसे स्ट्रीम का चैनल लंबा होता चला जाता है वो आपका लैटरल इरोजन करती है, दैट मीन्स साइडवे इरोजन करेगी। रिवर की स्टार्टिंग में जो आपकी विड्थ होती है वो कम होती है, जैसे जैसे आप देखोगे आगे चलती चली जाएगी ब्रॉड होती चली जाएगी, क्योंकि उसकी स्पीड कम होना स्टार्ट होती है और वो साइडवेज इरोजन करती है, ना कि वर्टिकल इरोजन करती है। गॉट इट दिस पॉइंट?
ठीक है ओके। और याद रखिए जो हमारे डिप्रेशन थे, जो हमारा जियोसिंक्लाइन डिप्रेशन था, जो इंडो गैंगेटिक एंड ब्रह्मपुत्र रिवर का जब हमारी दोनों प्लेट आपस में टकराई थी, यहाँ पर जियोसिंक्लाइन ट्रफ क्रिएट हुआ था। उसी जियोसिंक्लाइन ट्रफ में आपके जो सेडिमेंट्स थे, जो कॉन्ग्लोमरेट्स थे, वो कॉन्ग्लोमरेट्स आपके डिपॉजिट होने स्टार्ट हो गए। और जो कॉन्ग्लोमरेट डिपॉजिट स्टार्ट हो गए तो वहां पर आपका बनना स्टार्ट हो गया नदन प्लेन। और नदन प्लेन किसके बीच में? पेनिनसुलर इंडिया, ये नदन प्लेन है, यहाँ पर पेनिनसुलर इंडिया है और इसके नॉर्थ में है प्रेजेंट डे में हिमालय, जिसे हम बोलते हैं HFF। ठीक है, ये आपको चीजें पता होनी चाहिए, इसे इतना नहीं बस आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यू रिवर्स एंड मोर एल्यूवियम, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। न्यू रिवर्स एंड मोर एल्यूवियम दैट मीन्स क्या है, जितनी ज्यादा या जितनी यंग स्टेज में होगी या रिवर जितनी नई होगी उतना ज्यादा एल्यूवियम होगा। एल्यूवियम मीन्स जो सेडिमेंट्स होते हैं, जो रिवर्स अपने साथ सेडिमेंट्स लाती है। जितनी यंग रिवर होगी उतनी स्पीड ज्यादा होगी, उतनी ही उसमें क्या होगा, स्पीड जाने होने से उसका इरोजन उतना ही ज्यादा करेगी। जितना ज्यादा इरोजन करेगी सेडिमेंट्स उतने ही ज्यादा आएंगे, जब ज्यादा सेडिमेंट्स आएंगे तो एल्यूवियम भी ज्यादा आएंगे और एल्यूवियम डिपॉजिट भी ज्यादा होगा। और आपको पता है जो हमारा नॉर्थ इंडियन प्लेन है, आपको पता होगा ये एल्यूवियल सॉइल से बना है, जो कि रिवर्स अपने साथ जो इरोजन करती है वो सेडिमेंट्स लाती है, उससे फॉर्म्ड हुए। व्हाट इज माय पॉइंट, यस और नो, मुझे ये बताइए, यहां तक क्लियर है? जो आपकी रिवर्स है वो इरोजन करती है, तो आपकी जितनी ज्यादा या जो जितनी रिवर न्यू होगी वो जितनी यूथफुल स्टेज में होगी उतनी ही ज्यादा आपका डिपोजिशन होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हिमालय का राइजिंग होना स्टार्ट हुआ, हिमालय के राइजिंग होने से आपको पता है ग्लेशियर का फॉर्मेशन हुआ, और ग्लेशियर का जब फॉर्मेशन हुआ उन्हीं ग्लेशियर से जैसे जैसे ग्लेशियर मेल्ट हुए आपकी रिवर्स भी बनने का स्टार्ट हो गई। आपको पता है आपकी जो गंगा रिवर है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जो यमुना रिवर है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो ये ग्लेशियर ही है जिस वजह से हम इन रिवर्स को, जो हमारी हिमालयन रिवर्स है, इन्हें पेरिनियल रिवर्स कहते हैं। दैट मीन्स इनमें जो वाटर होता है, पेरिनियल्स मीन्स कि थ्रू आउट द ईयर, ये पूरे साल वाटर फ्लो करता है, कभी भी सूखती नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको जो वाटर मिलता है वो ग्लेशियर से मिलता है। जैसे जैसे ग्लेशियर मेल्ट होता जाएगा ऐसे ऐसे इन्हें वाटर मिलना स्टार्ट रहेगा। ठीक है, दीज रिवर विद अलोंग ग्लेशियल इरोजन, जब जो ग्लेशियर होगा वो मेल्ट होगा, रिवर वाटर आएगा तो इरोजन भी करेगा, और जैसे जैसे ग्लेशियर जितना ज्यादा इरोड होगा उतनी ही ज्यादा आपका वाटर आएगा, और जितना ज्यादा वाटर आएगा उतना ही ज्यादा आपका जो इरोजन है वो इंटेंसिफाइड होगा, उतना ही ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा इरोजन होगा उतनी ही जल्दी जो आपका डिप्रेशन है, जियोसिंक्लाइन डिप्रेशन था, वो आपका फिल होना स्टार्ट होगा। गॉट इट? किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो मुझे मेंशन कीजिए, बताइए। अगर हो सकेगा मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा, यहां तक मुझे बताइए ये आपका क्लियर है क्या? ठीक है ओके। विद द एक्यूमुलेशन ऑफ मोर एंड मोर सेडिमेंट्स द टेथियस सी, जो टेथियस सी था वो स्टार्ट रिसाइडिंग। दैट मीन जो टेथियस सी का आपको पता है जब दोनों टकराए तो थोड़ा बहुत टेथियस सी बचा था जो वाटर, उसके बाद भी उस टेथियस सी के पार्ट में वहां पर वो सेडिमेंट डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गए, और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम गुजरता चला गया वो सेडिमेंट्स ने जो टेथियस सी का पार्ट था वो पूरा ही एक्यूमुलेट कर लिया, पूरा ही कवर कर लिया। धीरे धीरे हम चीजों को देखते चले गए, पैसेज ऑफ टाइम द डिप्रेशन वॉज कम्प्लीटली फिल्ड विद एल्यूवियम, जो हमारे एल्यूवियम या जो सेडिमेंट्स थे, जो रॉक के पार्टिकल्स थे, जो डेब्रिस थी जिन्हें हम कहते हैं कॉन्ग्लोमरेट्स, वो आपके उसे फिल करते चले गए, और धीरे धीरे करके वहां पर मोनोटोनस एग्रीडेशनल प्लेन आपका बसता है। ठीक है, जो टेथियस सी था वो कम्प्लीटली फिल्ड अप हो चुका है, वो डिसअपियर्ड हो चुका है, और वहां पर मोनोटोनस आपका एग्रीडेशनल प्लेन बसता है। और मैंने बताया था एग्रीडेशनल प्लेन्स वो होता है जो रिवर के डिपोजिशन से बनता है, वो प्लेन जो रिवर के डिपोजिशन से बनता है उस प्लेन को हम बोलते हैं एग्रीडेशनल प्लेन। यहां तक किसी भी आपको स्टूडेंट को किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो तो मुझे बताइए, क्लियर है?
अब हम बात करते हैं बेसिकली मोनोटोनस मतलब होता है फीचरलेस टोपोग्राफी। कोई भी आपकी टोपोग्राफी फिक्स नहीं है कैसी होगी, बस आपकी एक अनइवन सरफेस है, प्लेन सरफेस है, वो आपका वहां पर प्लेन हो गया। और आपको पता है एग्रीडेशनल प्लेन्स मतलब होता है वो प्लेन जो फॉर्म्ड होते हैं ड्यू टू द डिपोजिशनल एक्टिविटी बाय द रिवर, जिसमें हम बात करेंगे इंडस रिवर की, जिसमें हम बात करेंगे गंगा रिवर की, और जिसमें हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर की। इन्होंने आपका टोटल 3200 किलोमीटर का वर्ल्ड का लार्जेस्ट आपका एल्यूवियल ट्रैक्ट बनाया या प्लेन ट्रैक्ट बनाया इन तीनों रिवर ने। आई एम नॉट अबाउट ट्रैक्ट, दैट इज द ट्रैक्ट, पूरा एक सरफेस, पूरा एक लेयर, गॉट इट। अब हम बात करते हैं आगे की तरफ, आगे की तरफ आप मूव कीजिए थे, आगे हम पॉइंट पढ़ते हैं। आइए अब हम बात कर रहे हैं अपर पेनिनसुलर रिवर हैव आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्लेन्स बट टू वेरी स्मॉल एक्सटेंट, दैट इज द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसे मार्क कर लीजिए अपने, इसे नोट डाउन कर लीजिए, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपकी अपर पेनिनसुलर रिवर है। आइए अब मैं पीछे आ जाइए, आप मेरे पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए। सर आप क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो? मैंने आपको बताया था चंबल, सिंध, बेटवा, केन और सोन ये रिवर्स है, ये कहां से निकलती है? पेनिनसुलर प्लेटू से, सोन अमरकंटक प्लेटू से निकलेगी, ये यहां से निकल रही है। और आपको पता है कि जो पेनिनसुलर प्लेटू है इसमें थोड़ा सा क्या है आपका इस तरह, ये नॉर्थवर्ड डिफ्लेक्टेड है या नॉर्थवर्ड टिल्टेड है जो पेनिनसुलर प्लेटू है। तो जो रिवर्स यहां से इमर्ज कर रही है वो नॉर्थवर्ड जा रही है, तो जो प्लेन का फॉर्मेशन है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रोल किसका है? अपर पेनिनसुलर रिवर का भी है। ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लीजिए। आपसे क्वेश्चन यूपीएससी कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है कि जो हमारे प्लेन का फॉर्मेशन हुआ क्या सिर्फ वो हमारी नॉर्थ इंडियन रिवर्स है, जो हिमालयन रिवर्स है उन्होंने बताया, और आप आग बंद करके मार दोगे यस। बट आपको याद रखना है जो अपर पेनिनसुलर रिवर है, सोन रिवर है, चंबल, सिंध, बेटवा, केन, जो कि यमुना की ट्रिब्यूटरी है जो कि टूवर्ड्स द नॉर्थ फ्लो करती है, वो क्यों? उन्हीं के वजह से भी तो थोड़ा बहुत प्लेन का फॉर्मेशन हुआ। तो आपको याद रखना है जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपर पेनिनसुलर रिवर्स हैव आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्लेन्स बट अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट, ज्यादा नहीं, स्मॉल एक्सटेंट, ठीक है, ओके। आपको पता होगा ड्यूरिंग द रीसेंट टाइम्स अ फ्यू मिलियन ईयर्स पहले माउंटेन्स बिल्डिंग्स 47 मिलियन ईयर पहले हुई थी, उसके बाद मिलियन ईयर्स पहले डिपोजिशनल वर्क स्टार्ट कर दिया रिवर्स ने, और जो जियोसिंक्लाइन एरिया था इसमें सेडिमेंट्स लाने स्टार्ट कर दिए रिवर्स ने। किसने? इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा ने, जो कि आपके प्रीडोमिनेंट रिवर्स हैं और इसकी ट्रिब्यूटरी जिन्होंने फॉर्म्ड किया आपकी इंडो गंगेटिक एंड ब्रह्मपुत्रा प्लेन, ठीक है। और यही रीजन है जो एरुकेट, अगर मैं बात करूं, या जो कर्व्ड एरिया है, ये जो जियोसिंक्लाइन कर्व्ड एरिया है, इसने फॉर्म्ड किए इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्रा प्लेन जो कि इन तीनों रिवर से बनते हैं। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ इंडो गंगेटिक एंड ब्रह्मपुत्रा प्लेन, आज ये फटाफट देख लेते हैं। इंडो गंगेटिक एंड ब्रह्मपुत्रा प्लेन इज द लार्जेस्ट एल्यूवियल ट्रैक्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट मींस पूरे वर्ल्ड में अगर मैं बात करूं यहां से स्टार्ट करता हूं इधर वाले पार्ट से, जिसमें आपका पंजाब, सिंध प्रोविंस भी आ जाता है, कहां पर? अगर मैं बात करूं पाकिस्तान के कराची से लेकर आपके यहां पर जो सुंदरबन डेल्टा है इंडिया बांग्लादेश का, तो ये पूरा एरिया आपका 32 किलोमीटर का ट्रैक्ट है, जो कि लार्जेस्ट ट्रैक्ट है वर्ल्ड में, सिंगल लार्जेस्ट ट्रैक्ट है किसी रिवर के थ्रू बनाए गए, जिसमें इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा तीनों रिवर का बहुत बड़ा रोल है जिन्होंने इंडो गंगेटिक एंड ब्रह्मपुत्रा का बनाया। Got it my point? तो इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्रा प्लेन इज द लार्जेस्ट एल्यूवियल ट्रैक्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, और आपको बता चुका हूं इट स्ट्रेचेस अबाउट 3200 किलोमीटर फ्रॉम द माउथ ऑफ इंडस रिवर प्लस द माउथ ऑफ गंगा रिवर, उसके बाद आगे जाके आपका ब्रह्मपुत्रा रिवर, और मैंने बात की थी तीस्ता रिवर की जो कि ट्रिब्यूटरी है आपकी ब्रह्मपुत्रा रिवर। वहीं पर अगर मैं बात करूं इंडिया के अंदर ये ट्रैक 2400 किलोमीटर का कवर करता है, रिमेनिंग 800 किलोमीटर ये पाकिस्तान का जो कराची वाला पार्ट है और बांग्लादेश में जो सुंदरबन डेल्टा है उस वाले एरिया का कवर करता है, ठीक है। द नदन बाउंड्री इज वेल मार्क्ड बाय द शिवालिक, मैंने आपको बताई थी तीन माउंटेन रेंजेज हैं जिसमें हमने
डिवीजन किया था, पहली हमारी हिमाद्री थी, दूसरी हमारी आपकी मिडिल हिमालय और हिमाचल थे, और तीसरी हमारी शिवालिक और आउटर हिमालय थे। तो इसके बीच में हमारे ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन है और यहाँ पर है आपका पेनिनसुलर प्लेटू। तो नदन बाउंड्री जो है वो शिवालिक से है और सदन बाउंड्री है वो आपकी इरेगुलर है, कहाँ पर? पेनिनसुलर प्लेटू वाले पार्ट पर इंडिया के। और वहीं पर जो वेस्टर्न बाउंड्री है वो सुलेमानी रेंज है और किरथार रेंज है, और ईस्टर्न साइड में आपकी पूर्वांचल हिल्स है जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लाई करती हैं, जो कि आसाम बॉर्डर के उधर वाले पार्ट में लाई करती है। सो क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है आपसे, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि बताइए जो आपका ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन है उसके नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट को कहां कहां से बाउंड्री का फॉर्मेशन होता है। तो आपको बताना है जो आपकी शिवालिक है वो आपके नॉर्थ में है, किसके प्लेन के? नॉर्थ इंडियन प्लेन के। साउथ में पेनिनसुलर प्लेटू है, आपके वेस्टर्न साइड में सुलेमानी और किरथार रेंज है, वहीं पर आपके जो ईस्टर्न साइड है पूर्वांचल हिल है टूवर्ड्स द आसाम वाले पार्ट में, बिकॉज आसाम का जो एरिया है वहां पर भी कुछ एरिया में नॉर्थ इंडियन प्लेन है जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा बनाया गया है, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा बनाया गया है। अब क्वेश्चन बनता है एक बहुत अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है। यूपीएससी चार ऑप्शन देगा नॉर्थ इंडियन प्लेन में और उसमें एक ऑप्शन दे देगा, बताइए जो विड्थ है, जो विड्थ है ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन की वो ज्यादा कहाँ है? ये स्प्रेड तो पंजाब से लेके कहां तक है? आसाम में है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए कहां पर स्ट्रेच ज्यादा है, कौन से एरिया में स्ट्रेच ज्यादा है, फटाफट जल्दी से मेंशन कीजिए कि कौन से एरिया में स्ट्रेच या विड्थ कहां पर ज्यादा है। तो आपको मैं बताने के लिए जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में कि कौन से एरिया में विड्थ ज्यादा है। अगर हम बात करें फटाफट जल्दी से बताइए, जस्ट गिव मी वन मिनट, आप जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में कि स्ट्रेच फटाफट कहां पर ज्यादा है। बताइए, देखिए अब मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं, जल्दी से एक चीज देखिए, आप यहां पर एक पॉइंट समझने की कोशिश कीजिए। अब मैं बहुत अच्छे से देखिए, आपको पता होना चाहिए जो पंजाब प्लेन है, जो पंजाब का एरिया है, जस्ट गिव मी वन मिनट, जो पंजाब है यहां पर जो विड्थ है, जो पंजाब है यहां पर जो विड्थ है वो 300 किलोमीटर तक है और आपका जो आसाम है वो 150। दैट मीन जो ब्रॉडर एरिया है ना, अगर मैं बात करूं, आप यहां पर मैप पे आइए दोबारा, अगर मैं बात करूं आप यहां पर नोटिस कीजिए, जो आपका प्लेन है ना ये वाला, यहां पर ये जो प्लेन है ना यहां पर आप नोटिस कर रहे होंगे ब्रॉडर है, चौड़ा है, देखिए यहां से तो इसकी विड्थ 300 किलोमीटर है। और वहीं पर अगर आप नोटिस करेंगे इधर की तरफ ये वाला एरिया, आप नोटिस करेंगे कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा या आसाम में जो प्लेन है उसकी जो विड्थ है वो कम है, अप टू 150 किलोमीटर है एवरेज विड्थ। एवरेज विड्थ कितनी है इसकी? 150 किलोमीटर है, जो कि आपकी है। गॉट इट माय पॉइंट? किसी को भी कोई डाउट? अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि विड्थ बताइए, तो आपको एक सिंपल सा पॉइंट बताना है कि सर जो पंजाब प्लेन है इनकी जो विड्थ है, अगर मैं बात करूं, समझने की कोशिश करना, वो इंक्रीज होती है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन बना सकता है कि ईस्ट टू वेस्ट से जो विड्थ है प्लेन्स की वो इंक्रीज होती है डिक्रीज? आपको बताना है सर इंक्रीज होती है। और वहीं पर अगर आप सर वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलेंगे तो वो डिक्रीज होती है। ये पॉइंट हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, सर ये तो हमारी वेस्ट टू ईस्ट क्या हो गई, विड्थ के बारे में बात हो गई। अब एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो हमारा एल्यूवियल प्लेन है उसका डेप्थ कहां पर ज्यादा है? तो आपको याद रखना है सर, अगर ये हमारा ग्रेट इंडियन प्लेन है और ये नॉर्थ है और ये साउथ है ग्रेट इंडियन प्लेन का, तो सर जो डेप्थ होगी वो नॉर्थ में ज्यादा होगी, दैट मींस जो थिकनेस होगी सॉइल की वो ज्यादा नीचे तक होगी, वहीं पर जैसे जैसे आप साउथ की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दोगे हमारी जो डेप्थ है वो डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगी, और यहाँ पर डेप्थ ज्यादा होगी, डेप्थ हायर होगी और यहाँ पर लोअर होगी। ये पॉइंट याद रखने हैं बस दो, कि आपका जो वेस्ट टू ईस्ट अगर हम मूव करेंगे तो हमारी जो विड्थ है वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगी, या ईस्ट टू वेस्ट अगर हम बढ़ेंगे वो इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगी, वहीं पर जो डेप्थ है वो डेप्थ आपकी नॉर्थ से साउथ जैसे जैसे हम प्लेन में मूव करना स्टार्ट करेंगे आपकी डेप्थ डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगी, आपकी डेप्थ डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगी।
समझ में आ गया? किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो मुझे ये बता दीजिए, कोई भी आ डाउट, ठीक है? ये हमने चीजें पूरी कर ली हैं। इट इज द वाइडेस्ट इन द वेस्टर्न साइड वेयर इट स्ट्रेचेज अबाउट 500 किलोमीटर। वहीं पर जैसे जैसे हम ईस्ट की तरफ जाएंगे हमारी जो विड्थ है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। एंड द थिकनेस ऑफ एल्यूविलियम डिपोजिट आल्सो वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वहीं पर हम बात कर रहे हैं, अगर हम नॉर्थ की तरफ बात करें तो हमारी जो थिकनेस है वो थिकनेस या जो डेप्थ है वो आपकी थिकनेस ज्यादा होगी कहां पर, नॉर्थ साइड ऑफ द प्लेन, और जैसे जैसे हम साउथ में जाएंगे थिकनेस कम होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? वहीं पर हमने बात की इट्स एवरेज एलिवेशन जो प्लेन्स का है वो 200 मीटर है, वहीं पर कहीं पर आपका 291 मीटर है। वहीं पर आपको पता है अंबाला के बारे में हमने डिस्कस किया था, जो अंबाला है वो आपका 291 मीटर है, जो हाईएस्ट एलिवेशन है किसी भी प्लेन का। और आपको पता है अंबाला वर्क एज अ वॉटरशेड, दैट मींस ये अंबाला का वॉटरशेड है, इसके इधर जो इंडस रिवर है और इसकी ट्रिब्यूटरी है वो वॉटरशेड का काम करते हैं, और यहाँ पर गंगा रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी है, बीच में अंबाला का पार्ट आता है जो कि वॉटर डिवाइड का काम करता है, वॉटरशेड का काम करता है बिटवीन द गंगा एंड इंडस रिवर। तो जो आपका वॉटरशेड का कौन काम करता है, इंडस और आपका, ठीक है? वहीं पर अगर हम बात करें यहाँ पर एवरेज ग्रेडियंट फ्रॉम सहारनपुर, बहुत ही दो थोड़ा सा डिफरेंस है, सच कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम बात करें जियोलॉजिकली द एल्यूवियम ऑफ द ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू यंगर एंड ओल्डर बांगर सॉइल। आपको एक चीज बता दूं, जो हमारी एल्यूवियल सॉइल है वो आपकी अलग अलग पार्ट में डिवाइड हुई है, एक होता है खादर और एक होता है बांगर, उसके बाद एक होता है भाबर और एक होता है तराई। उसको मैं एक एक करके चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, फटाफट आप चीजों को समझिए, मैं आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर करता हूं। यहां पे आइए पीछे की तरफ, सबसे पहले आता है भाबर, सबसे पहले आता है भाबर। अब व्हाट इज भाबर, व्हाट इज तराई, आपकी चार पॉइंट होते हैं जो हमें क्लियर करने हैं। आप यहां पर देखिए इन चार पॉइंट को, जो हमारी क्लासिफिकेशन है प्लेन्स का, यहां पर हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेन्स, ठीक है? उसमें सबसे पहला आता है हमारा भाबर, उसके बाद हमारा सेकंड आता है आपका तराई रीजन, उसके बाद थर्ड आता है हमारा खादर, और उसके बाद आता है फोर्थ आता है हमारा भांगर, ठीक है? ये चारों को हम एक एक करके क्लासिफाइड करेंगे और चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। भाबर क्या होता है, तराई क्या होता है, खादर और भांगर क्या होता है, पहले भी चीजें डिस्कस कर चुका हूं। अब एक चीज देखिए सिंपल सा, अगर मैं आपको बताना चाहूं, यहां पे आइए इस वाले पॉइंट पे आ जाइए, सिंपल है। अब क्या हुआ, यहां पर ये आपका शिवालिक है और यहां पर एक रिवर फ्लो कर रही है, यहां पर ये रिवर फ्लो कर रही है, समझने की कोशिश करना, यहां पर रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है? अब क्या हुआ, सबसे पहले जैसे ही मेरी रिवर फ्लो करेगी शिवालिक से, तो मेरी रिवर्स क्या करेगी, इरोजन करेगी, और इरोजन करने के बाद वो अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आएगी, और सेडिमेंट्स लाने के बाद अपनी जो शिवालिक के फुटहिल्स है वहां पर बड़े बड़े बोल्डर्स कर लेगी, वहां पर बड़े बड़े पत्थर आके रुक जाएंगे। जैसे ये माउंटेन है, माउंटेन से इरोजन हो रहा है, रिवर्स स्पीड से आ रही है, तो इरोजन करके बड़े बड़े रॉक्स के पार्टिकल वो वहां पर जो फुटहिल्स है शिवालिक की, माउंटेन्स की, वहां पर एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देंगे। सो जो फुटहिल्स है ना, वहां पर जो रॉक के पार्टिकल्स आपके कलेक्टेड हो गए हैं, जो फुटहिल्स है शिवालिक की, वहां पर जो रॉक्स के पार्टिकल कलेक्टेड हो गए हैं, उसे हम बोलते हैं भाबर। तो भाबर में क्या होता है, आपने देखा होगा जो हमारी गंगा रिवर है वो ऋषिकेश में आके प्लेन में एंटर होती है, तो आप नोटिस करेंगे कि ऋषिकेश के पास आके इस तरह बड़े बड़े बोल्डर्स और सेडिमेंट्स आपको दिख जाएंगे, बड़े बड़े पत्थर दिख जाएंगे, जहां पर जो रिवर आ रही है ऊपर से वो एक टाइम आपको ऐसे दिखेगा, वो दिखनी बंद हो जाएगी, वो डिसअपीयर हो जाएगी, वो डिसअपीयर हो जाएगी। तो क्वेश्चन बनता है व्हाट इज भाबर, तो आपको बताना है भाबर आपका जो तराई रीजन है उसके फुटहिल्स पर बड़े बड़े रॉक के पार्टिकल्स और बोल्डर के पार्टिकल्स वहां पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिसमें से जो रिवर्स ऊपर से आ रही होती है वो आपके उसके नीचे से फ्लो करना स्टार्ट करती है, वो आपको सरफेस पे कहीं नहीं दिखती, ठीक है? तो आपको बताना है भाबर इज अ नैरो पोरस एंड नदन मोस्ट स्ट्रेच ऑफ इंडो गैंगेटिक प्लेन, मतलब जो प्लेन है उसका नदन मोस्ट पार्ट है,
ठीक है, जो कि 8 से 16 किलोमीटर वाइड है अलोंग द फुटहिल्स ऑफ शिवालिक। शिवालिक के जो फुटहिल्स है वहां पर जो पार्टिकल्स आकर या रॉक या बोल्डर डिपॉजिट हो गए हैं, इसके नीचे से रिवर फ्लो होगी, डिसअपीयर हो जाएगी, दिखनी बंद हो जाएगी। क्वेश्चन बनता है कौन सा पार्ट ऐसा है जो आपके ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन का, जहां पर रिवर डिसअपीयर हो जाती है, आपको बताना है। सर भाबर वो रीजन है जहां पर रिवर क्या हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है, ठीक है। और ये भाबर रीजन कहां से कहां तक दिखता है, सर इंडस से लेकर तीस्ता तक दिखता है, जो कि ब्रह्मपुत्रा का पार्ट है। इसके जहां पर भी रिवर अपने साथ फुटहिल्स पर आएगी, वहां पर बोल्डर्स रॉक के पार्टिकल डिपॉजिट कर देगी और वहां पर जो भी आपकी रिवर है वो डिसअपीयर हो जाएगी, ठीक है। यही तो बोला, द रिवर डिसेंडिंग फ्रॉम द हिमालय, दैट मींस शिवालिक, डिपॉजिट देयर लोड, दैट मींस आपके रॉक पार्टिकल्स, बोल्डर्स जो कि रॉक पार्टिकल्स को कहते हैं, अलोंग द फुटहिल्स इन द फॉर्म ऑफ एल्यूवियल फैंस, वहां पर डिपॉजिट कर देगी, ठीक है, वहां पर एलिफियर। और फिर क्या होगा कि उस वाले एरिया को कहेंगे भाबर, और यहाँ पर जो पोरोसिटी होती है वो बहुत ही कम होती है। अगर मैं बात करूं तो मोस्ट यूनिक फीचर है भाबर का कि पोरोसिटी बहुत होती है यहाँ पर, जिसकी उससे क्या होता है, जो पीबल्स होते हैं, डेब्रिस होते हैं, वो कलेक्ट हो जाते हैं और जो रिवर्स है वो इन डेब्रिस के नीचे फ्लो करने लगती है और रिवर आपकी डिसअपीयर हो जाती है जैसे ही वो भाबर रिवर में पहुंचती है, ठीक है। और यही रीजन है कि जो रिवर होती है उसका जो ड्राई पार्ट होता है, सूखा पार्ट होता है, उसे भाबर कहते हैं, बिकॉज यहां पर रिवर आपकी डिसअपीयर हो जाती है अंडर द रॉक, अंडर द पीपल्स, ठीक है, एक्सेप्ट इन रेनी सीजन, रेनी सीजन को छोड़, ठीक है। वहीं पर जो आपकी भाबर बेल्ट है वो नैरो है ईस्टर्न साइड में, दैट मींस असम वाले पार्ट में, और जो वेस्टर्न पार्ट है इंडस का, पंजाब वाला पार्ट, वहां पर ये काफी ब्रॉड है, ठीक है। और ये वाला एरिया जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सूटेबल नहीं है एग्रीकल्चर के लिए, ये वाला एरिया एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल नहीं है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्रीकल्चर के लिए ये वाला पार्ट आपका सूटेबल नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं तराई रीजन, उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड और तराई रीजन। हमने बात की थी आपके हिमालय के फुटहिल्स है, जिसमें हमने बात की शिवालिक, और यहाँ पर ये बोल्डर्स आपके डिपॉजिट हो गए। अब बोल्डर डिपॉजिट होने के बाद ये रिवर नीचे से फ्लो कर रही है इन बोल्डर्स के, जैसे ही रिवर दोबारा रीइमर्ज करती है ऊपर की तरफ, दोबारा सरफेस पे आती है, उस एरिया को कहते हैं तराई रीजन, उस एरिया को बोलते हैं तराई रीजन। और याद रखना जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तराई को हम बोलते हैं डैम्प ऑन मार्शी एरिया, मतलब जो दलदली एरिया होता है वो तराई रीजन होता है। अगर मैं बात करूं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, अगर मैं बात करूं काजीरंगा नेशनल पार्क, ये सारे एरिया आपके तराई एरिया है, दलदली एरिया है, यहाँ पर एग्रीकल्चर हो सकती है, पॉसिबल है, एग्रीकल्चर होती है, वीट शुगर केन इस एरिया में होता है, जो कि तराई रीजन है। और याद रखना जो तराई रीजन है, यहाँ पर आपकी रिवर दोबारा रीमर्ज होती है सरफेस पे, क्यों, जो आपके पीबल्स थे, रॉक के पार्टिकल्स थे, उनके नीचे जब रिवर डिसअपीयर होती है तो वो दोबारा सरफेस पे आती है, दोबारा रीमर्ज होती है, उस एरिया को कहते हैं तराई रीजन, जो कि एक स्वैम्प और दलदली या डंप एरिया है। तराई इज अ इल ड्रेन डैम्प एंड मार्शी एरिया, दैट मींस दलदली एरिया, थिकली फॉरेस्टेड, फॉरेस्टेड एरिया होता है, फॉरेस्ट कवर अच्छा होता है, और ये साउथ ऑफ भाबर होता है, दैट मींस ये भाबर है, इसके साउथ में पैरेलल चलता है तराई रीजन, और यहाँ पर है भाबर रीजन, उसके बाद आता है आपका रिवर फ्लो हो रही है, ये आता है खादर और ये आता है बांगर, और ये बांगर और भाबर में कंफ्यूज मत होना, याद रखना ये बांगर है और ये आपका भाबर है, ठीक है। तो जो भाबर है उसके साउथ में आता है आपका तराई रीजन, ओके। तराई रीजन की जो थिकनेस होती है वो 15 से 30 किलोमीटर होती है। वहीं पर मुझे बताइए, हमने पीछे पढ़ी है भाबर की थिकनेस क्या होती है, भाबर की थिकनेस कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए। हमने बात की भाबर की थिकनेस होती है 8 से 16 किलोमीटर, जो कि आपकी ईस्टर्न साइड में लो है, और जो आपका वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया है वहां पर थिकनेस ज्यादा है, गॉट इट। और आपको पता है जो अंडरग्राउंड स्ट्रीम थी भाबर में, जो डिसअपीयर हो गई थी, वो तराई रीजन में दोबारा रीइमर्ज कर जाती है, तराई रीजन में दोबारा रीमर्ज कर जाती है। और आपको पता होगा जो थिकली फॉरेस्ट एरिया है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड का, और काजीरंगा नेशनल पार्क है जो आसाम में, वो दोनों नेशनल पार्क आपके तराई रीजन में लाई करते हैं। कहां पर लाई करते हैं, तराई रीजन में लाई करते हैं, और यही रीजन है तराई के दलदली और मार्शी एरिया, जो कि आपके भाबर के साउथ में लाई करते हैं,
ठीक है, तराई इज मोर मार्क्ड इन द ईस्टर्न पार्ट. जो तराई रीजन है ना, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे भी मार्क कीजिए. क्वेश्चन इस तरह ही बनते हैं जो मैं बता रहा हूं कि तराई रीजन कहां पर ज्यादा पड़ेगा, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेन और नदन पार्ट. तो आपको बताना है सर तराई रीजन, कॉमन सेंस लगाइए, नहीं पता कॉमन सेंस लगाइए. तराई रीजन क्या है? मार्शी एंड दलदली एरिया. मार्शी और दलदली एरिया कहां पे होगा? जहां पर रेनफॉल ज्यादा होगी. और जिस एरिया में रेनफॉल ज्यादा होगी वहीं पर दलदल होगा. रेनफॉल कहां पर होती है? ईस्टर्न साइड में, मेघालय, आसाम, त्रिपुरा, इधर वाले. जैसे जैसे वेस्ट में जाएंगे रेनफॉल कम होती चली जाएगी. तो जितना ईस्टर्न पार्ट होगा, तराई इज मोर मार्क इन द ईस्टर्न पार्ट कंपेयर टू द वेस्ट. दैट मीन जो ईस्टर्न पार्ट है वहां पर रेनफॉल ज्यादा होती है कंपेयर टू वेस्टर्न पार्ट, इसलिए वहां पर दलदली मार्शी एरिया ज्यादा होगा. और जो तराई रीजन होता है वो रिच इन नाइट्रोजन होता है एंड डेफिसिट इन फॉस्फेट होता है, फॉस्फेट होता है. दैट मींस वहां की जो सॉइल है उसमें तराई रीजन में नाइट्रोजन काफी अच्छा होता है, ऑर्गेनिक मैटर काफी अच्छा होता है, बट फॉस्फेट में डेफिसिट होती है. और जो तराई रीजन है बेसिकली पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में आपका एग्रीकल्चर लैंड के लिए हम कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसमें शुगर केन, राइस और वीट की क्रॉप हम ग्रो करते हैं. किसकी? शुगर केन, राइस एंड वीट की जो क्रॉप है वो हम ग्रो करते हैं उस एरिया में. ठीक है, अब हमने बात की थी आपकी कौन सी, सबसे पहले हमने बात की भाभर रीजन की. किसकी? भाभर रीजन की. मुझे फटाफट बता दीजिए कमेंट में भाभर क्या था, हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या इंपॉर्टेंट है. उसके बाद हमने पढ़ा तराई रीजन, अब हम पढ़ने वाले हैं बांगर. अब हम पढ़ने वाले हैं बांगर रीजन. ये हमने दो क्लासिफिकेशन पढ़ ली, अब हम पढ़ने वाले हैं बांगर. फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए कि बांगर रीजन होता क्या है, फटाफट जल्दी से विदाउट एनी डिले. बांगर रीजन, ठीक है. अगर हम बात करें, बांगर इज द ओल्डर एल्यूवियल सॉइल. ये ओल्डर एल्यूवियल सॉइल है. सर व्हाट इज ओल्डर एल्यूवियल सॉइल? अब एक बार फटाफट यहां पे देखिए जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझने की कोशिश करना. ये मेरी रिवर फ्लो कर रही है, लेट अस अज्यूम गंगा रिवर फ्लो कर रही है. ठीक है, अब क्या होगा, ये रिवर फ्लो कर रही है, इसके अंदर वाटर होगा. अब इसके अंदर वाटर होगा तो ये रिवर कहीं से आई होगी, इरोजन भी किया होगा, सेडिमेंट्स भी होंगे. तो ये रिवर क्या करती है, अपने साथ जो सेडिमेंट्स होते हैं वो अपने बैंक पर, ये इसका बैंक है, ये किनारा है इसका, ठीक है, इस बैंक पर डिपोजिट करना स्टार्ट कर देती है सेडिमेंट्स को. और जो सेडिमेंट्स इस रिवर के नियर और बैंक पर डिपोजिट होते हैं उसे कहते हैं खादर. और जैसे जैसे आपकी रिवर फ्लो करती रहेगी ये सेडिमेंट्स पीछे की तरफ शिफ्ट होते रहेंगे और नए सेडिमेंट्स रिवर यहां पर डिपोजिट करना स्टार्ट करेंगे. दैट मींस अगर मैं मैप में शो करूं, यहां पर इमेजेस दोबारा शो करूं आपको, तो आप एक चीज नोटिस कीजिए, यहां पर ये वाला पार्ट है जो मैंने ये बनाया है, जो सेडिमेंट्स आपके यहां पे थे अब वो इस वाले पार्ट पर आ गए हैं. ठीक है, अब इस वाले पार्ट पर आ गए हैं और इस वाले पार्ट पर आपके क्या होना स्टार्ट हो गए हैं, इस वाले पार्ट पर आपके न्यू सेडिमेंट डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गए हैं. तो ये जो न्यू डिपॉजिट है इसको बोलेंगे खादर, और जो सेडिमेंट्स पहले यहां थे अब वो शिफ्ट होके इधर हो जाएंगे, अब हम इसे बोलेंगे बांगर. तो ये क्या हुए, ये सेडिमेंट्स न्यूली डिपॉजिट हुए हैं, नए डिपॉजिट हुए हैं. तो इन सेडिमेंट्स को जो खादर होता है इसे बोलते हैं हम न्यू एल्यूवियल सॉइल, न्यू एल्यूवियल सॉइल. और जो बांगर आपका पुराना हो जाता है इसे हम बोलते हैं ओल्डर एल्यूवियल सॉइल. और आपको पता है जो आपकी रिवर्स डिपॉजिट लेके आती है और आपके जो ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन है हम उसे एल्यूवियल प्लेन्स भी बोलते हैं. तो जैसे जैसे रिवर फ्लो हो रही है इस रिवर के जो पास का एरिया है यहां पर वो सेडिमेंट डिपॉजिट करेगी, उसको बोलेंगे हम क्या, उसको बोलेंगे खादर. और जैसे जैसे हम शिफ्ट करते चले जाएंगे उसे बोलेंगे हम आपका बांगर. ठीक है, तो बांगर इज द ओल्डर एल्यूवियल सॉइल अलोंग द रिवर्स बेड फॉर्मिंग टेरेस हायर देन द फ्लड प्लेन. अब ये मेरी रिवर है, यहां पर इसने फ्लड प्लेन्स बचा. तो फ्लड प्लेन्स तो जहां तक रिवर अपना वाटर लेके जाती है फ्लड प्लेन्स, बट इसके पीछे तो हायर एलिवेशन है, यहां पर तो सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते चले गए, तो इसकी जो हाइट होगी वो हायर होगी. इस वाले पार्ट की हाइट क्या होगी? हायर होगी, क्योंकि डिपोजिशन ज्यादा हो गया है. तो यही तो बोल रहा है टेरिस हायर देन द फ्लड प्लेन्स. तो जो बांगर है वो आपकी क्या है, ओल्डर एल्यूवियल सॉइल है, यहां पर होगी खादर जो कि आपकी न्यू एल्यूवियल सॉइल होगी. क्लियर है?
बांगर के बारे में समझ आ गया, तो ये रिवर में आपका बांगर ही दिख रहा है, ये सेडिमेंट्स रिवर अपने साथ फ्लो करके सेडिमेंट्स लेके आई है, इसे हम कहते हैं बांगर, ठीक है। और याद रखना, द टेरेस आर ऑफन इम्प्रेग्नेटेड विद कैल्करस कंसंट्रेशन बेड्स विद लाइम नूडल्स नोन एज कंकर्ड। अब क्या हुआ, ये मेरी रिवर फ्लो कर रही है, अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आई, यहां पर डिपॉजिट किया, तो जब ये सेडिमेंट्स रिवर के फ्लड प्लेन्स के साथ, यहां पर वाटर के साथ सेडिमेंट्स आए होंगे, अब सेडिमेंट्स आए होंगे तो यहां पर वाटर भी आया होगा एक टाइम पे। अब क्या हुआ, वो वाटर तो सारा ड्राई अप हो गया, सूख गया, एवोपरेशन हो गया उसका, वाटर सूख गया तो आपको ये भी पता होगा वाटर कैल्शियम कंटेन करता है, वाटर के अंदर सॉल्ट के कंटेंट होते हैं। अब जब ये सारा वाटर ड्राई अप हो गया तो ये जो कैल्शियम था ये मिक्स होके कंकड़ की फॉर्म ले लेता है और यहां पर आपको क्या दिखेंगे, कंकड़ दिखेंगे, कहां पर बांगर रीजन है, क्या दिखेंगे, कंकड़ दिखेंगे। ये पॉइंट समझ में आया कि कंकड़ कैसे दिखेंगे, कंकड़ सर दिखेंगे जो सेडिमेंट्स है वो जब ड्राई होने के बाद वहां पर डिपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। और याद रखना, इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका बरिंद प्लेन्स है। जो अगर मैं आपको एक चीज बता दूं, बरिंद प्लेन जैसे जो बंगाल का एरिया है ना, वहां पर जो एलुवियल प्लेन है उसे बोला जाता है बरिंद प्लेन। क्या बोला जाता है, बरिंद प्लेन। और एक होती है भूर फॉर्मेशन, भूर फॉर्मेशन, जो भूर फॉर्मेशन है वो जो गंगा का पार्ट है और यमुना, दुआब का मतलब होता है ये मेरी गंगा रिवर है और ये मेरी यमुना रिवर है, इन दोनों के बीच का जो एरिया होता है उसे कहते हैं दुआब, रिवर एरिया बिटवीन द टू रिवर उसे दुआब कहते हैं। तो ये वाला जो एरिया है उसे कहते हैं हम भूर। भूर किसके बीच में है, याद रखना गंगा और यमुना के बीच। ये बांगर के अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम दिए गए हैं, एक होता है बरिंद प्लेन, क्वेश्चन बन सकता है चार मैचिंग आ जाएंगी, आगे आगे मैं पढ़ाऊंगा, बरिंद भी पढ़ाऊंगा, कालर भी पढ़ाऊंगा, उसर भी पढ़ाऊंगा, तो आपको मैचिंग आ जाएंगी, बरिंद प्लेन कहां पर है, बुर का फॉर्मेशन कहां होता है, तो आपको बताना है सर बरिंद प्लेन बांगर का ही पार्ट है जो कि बंगाल में फॉर्म्ड होता है और बुर का फॉर्मेशन गंगा और यमुना के बीच का जो एरिया है जिसे हम दुआब कहते हैं वहां पर आपके बुर फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और बुर डिनोट्स अ एलिवेटेड पीस ऑफ लैंड सिचुएटेड अलोंग द बैंक्स ऑफ गंगा रिवर, स्पेशली इन द अपर गंगा यमुना दुआब वाले एरिया में बुर का फॉर्मेशन होता है, एलिवेटेड एरिया, ठीक है, समझ में आ गया। सो दिस हैज बीन फॉर्म्ड ड्यू टू द एक्युपलेशन ऑफ विंड ब्लोन सैंड। देखिए जो क्या होता है, जब विंड ब्लो करती है तो सैंड का डिपोजिशन होने से वहां पर बुर का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि ड्राई मंथ्स होते हैं उस टाइम पर आपका ये फॉर्मेशन होता है। उसके बाद जो बांगर होती है वो फॉसिल ऑफ एनिमल्स जैसे राइनासोर, हिप्पोटोटोमस, हिप्पोपोटोमस, आपका एलिफेंट हो गया, इनके जो आपके रिमेन्स होते हैं वो बांगर के सॉइल के अंदर आपको मिल जाएंगे। और जो सॉइल का नेचर होता है वो क्ले कंपोजिशन होता है, मतलब क्ले की तरह होता है, और इसका जो कलर होता है वो डार्क कलर होता है बांगर का, समझ में आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं खादर के बारे में। मैंने अभी बात की, ये मेरी रिवर फ्लो हो रही है, यहाँ पर सेडिमेंट डिपॉजिट हो गए और जो न्यू सेडिमेंट्स, और यहाँ पर भी सेडिमेंट डिपॉजिट थे, ये वाले सेडिमेंट्स एक टाइम पर यहाँ पर आ गए और ये वाले न्यू डिपॉजिट हो गए, तो ये जो न्यू डिपॉजिट होंगे उसे कहेंगे खादर और न्यू एलिवियल सॉइल, और पीछे वाले को बांगर कहेंगे। गॉट इट, समझ में आया। खादर इज कंपोज बाय द न्यूअर एल्यूवियम एंड फॉर्म्स द फ्लड प्लेन्स अलोंग द रिवर बैंक। दैट मीन्स ये रिवर है, इसका जो बैंक है इसके साइड में आपका क्या होगा, आपका बांगर हो, ठीक है। अ न्यू लेयर ऑफ एल्यूवियम इज डिपोजिट बाय द रिवर फ्लड ऑलमोस्ट एवरी ईयर। तो एवरी ईयर न्यू एल्यूवियम सॉइल होती चली जाती है। ये देखिए यहां पर ये मेरी रिवर है, इसमें एक आपकी एल्यूवियम डिपोजिट है, अब दूसरे ईयर दूसरी डिपोजिट होगी, ये वाली इधर शिफ्ट हो जाएगी, फिर दूसरी होगी, फिर ये भी इधर हो जाएगी, तो इस तरह आपका डिपोजिशन होता रहता है और न्यू एल्यूवियल सॉइल का फॉर्मेशन होता है, उसे हम बोलते हैं खादर। एंड दिस मेक्स देम द मोस्ट फर्टाइल सॉइल ऑफ द गंगा। याद रखना जो खादर होती है ये सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल होती है, जो कि हमारी न्यू एल्यूवियम या न्यू एल्यूवियल सॉइल होती है। ये आपका सैंडी नेचर होती है, लूमी होती है, ड्रायर होती है, एंड लीचिंग होती है। लीचिंग मतलब जो इसके इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वॉश्ड अवे हो जाते हैं। क्यों वॉश्ड अवे हो जाते हैं, क्योंकि जो वाटर होता है फ्लड प्लेन से वो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स वॉश्ड अवे कर देता है, बट फिर भी ये सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है, क्योंकि ये आपके न्यूअर एल्यूवियम डिपॉजिट से बनी होती है, लेस कैल्करस होती है। क्यों लेस कैल्करस होती है, क्योंकि जो आपके सॉल्ट है वो आपका वहां पर ड्राई अप हो ही नहीं पाता, जिसके कारण ये आपकी लेस कैल्करस होती है। उसके बाद हम बात करते हैं रे और कोलर के बारे में। रे और कोलर,
देखिए क्या होता है, जो रे और कोलर होता है ना, बेसिकली ये आपका कहां पर मिलती है, जो ड्रायर एरिया होता है। ड्रायर एरिया में क्या होता है, जैसे जैसे आपकी सॉइल होती है वो ड्राई होती है, तो ड्राई होने के बाद जो भी उसका वाटर होता है वो सब एवोपरेट हो जाता है। वाटर एवोपरेट होने के बाद वहां पर आपका सिर्फ सॉल्ट कंटेंट बचता है, तो जिस भी रॉक में सेलिन होती है सॉल्ट कंटेंट बचता है वो आपका सॉल्टी बन जाती है ड्रायर एरिया में। तो रे और कोलर आपका एक तरह से सॉल्टी सॉइल है जो कि ड्रायर एरिया में होती है हरियाणा की, ठीक है। रे एरियाज हैव स्प्रेड इन रीसेंट टाइम विद इंक्रीज इन इरिगेशन, बट जैसे जो रे एरिया है ये आपका इरिगेशन के लिए अच्छे नहीं होते, बट जैसे जैसे हम इरिगेशन प्रोवाइड करवाते चले जाएंगे, सॉरी एग्रीकल्चर के लिए अच्छे नहीं होते, बट जैसे जैसे हम इरिगेशन प्रोवाइड करते चले जाएंगे तो आपका क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी सॉइल बेटर होना स्टार्ट हो जाएगी। तो कैपिलरी एक्शन के कारण जो सॉल्ट होता है जैसे जैसे हम वाटर प्रोवाइड कराएंगे वो आपके नीचे के सरफेस में चला जाएगा। समझ में आ गया रे और कोलर के। अब हम बात करते हैं रीजनल डिवीजन ऑफ ग्रेट इंडियन प्लेन्स। जो हमारे ग्रेट इंडियन प्लेन्स है, ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है, हम इन्हें डिवाइड कर रहे हैं 6 पार्ट में। पहला है सिंध प्लेन, पहला कौन सा है सिंध प्लेन, दूसरा कौन सा है राजस्थान प्लेन, दूसरा कौन सा है राजस्थान प्लेन, पहला सिंध प्लेन, दूसरा राजस्थान प्लेन, तीसरा पंजाब प्लेन, चौथा गंगा प्लेन, पांचवा ब्रह्मपुत्रा प्लेन और छठा है गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा जो कि सुंदरबन डेल्टा बांग्लादेश वाले पार्ट पे बनाता है। तो याद रखना सिंध प्लेन आपका बेसिकली पाकिस्तान में लाई करता है कराची वाले पार्ट में, जो इंडस रिवर फॉर्म करती है। राजस्थान में इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज फॉर्म करती है। पंजाब प्लेन भी इंडस और उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज करती है। गंगा प्लेन जो कि आपका यूपी बिहार वाले पार्ट में है, ब्रह्मपुत्रा प्लेन जो आसाम में लाइन करता है, और गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर के होने के कारण वहां पर वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है जिसे हम कहते हैं सुंदरवन डेल्टा, यहां पर आपका फॉर्म्ड होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंध प्लेन के बारे में। जो सिंध प्लेन है बेसिकली वो बांगर प्लेन्स है, बांगर प्लेन्स है, दैट मींस वो आपका ओल्डर एल्यूवियल सॉइल से बना हुआ है, ठीक है। और दोर्स है जो कि एक लॉन्ग नैरो डिप्रेशन है विच आर रेमनेंट्स ऑफ द कोर्स ऑफ फॉर्मर रिवर्स, जो पहले रिवर्स फॉर्म्ड होती थी उनके डिप्रेशन के कारण बना है। और जो ठंड एरिया है, याद रखना दोर्स क्या है, दोर्स एक डिप्रेशन है जो पहले रिवर का कोर्स था उसके कारण जो बन गया है डिप्रेशन, लॉन्ग और नैरो डिप्रेशन है। वहीं पर जो ठंड है वो एल्कलाइन लेक्स है, ठीक है, मतलब जहां पर पहले क्या था रिवर फ्लो करती थी, तो उन्होंने लॉन्ग डिप्रेशन बना दिया। अब उन लॉन्ग डिप्रेशन में जो एल्कलाइन लेक्स बनी है उन्हें हम ढांड कहते हैं, जो कि पाकिस्तान के सिंध वाले एरिया में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान प्लेन के बारे में। जो ग्रेट थार इंडियन डेजर्ट है वो आपका बेसिकली राजस्थान प्लेन वाला है, अनडल्टिंग प्लेन है जिसका एलिवेशन, एवरेज एलिवेशन वेरी करता है, कहीं पर कम है, बेसिकली ये 325 है। और ये वेव लाइक होता है, आपने देखा होगा इस तरह का जो एरिया होता है ये आपके बर्चन्स होते हैं, तो इस तरह आपका राजस्थान के प्लेन का फॉर्मेशन होता है। और जो डेजर्ट रीजन है इसे हम बोलते हैं मरुस्थल, मरुस्थली, दैट मीन्स आपने सुना होगा मरुस्थल, हिंदी में डेजर्ट को बोलते हैं। और जो आपका मारवाड़ प्लेन है वो वाला एरिया राजस्थान प्लेन को कवर करता है, ठीक है। और आपको यहाँ पर रॉक मिल जाएंगी जैसे निस सिस्ट, ग्रेनाइट और आपका जो पेनिनसुलर प्लेटू वाला है। और इट इज ओनली एट द सरफेस दैट लुक्स लाइक अ एग्रीडेशनल प्लेन, इट इज द ओनली एट द सरफेस दैट इट लुक्स लाइक अ एग्रीडेशनल प्लेन, दैट मींस जो रिवर्स है उनका या वेव्स के थ्रू आपका डिपोजिशन हुआ है, वो आपके डिपोजिशन होने के कारण बना है, ठीक है। ईस्टर्न पार्ट है जो आपका किसका, राजस्थान प्लेन का, वो मरुस्थली है, ठीक है, मरुस्थल है मतलब डेजर्ट है, वो रॉकी उसमें है। वहीं पर जो वेस्टर्न पार्ट है वो आपके सैंडी फॉर्म में है, सैंड ड्यून्स की फॉर्म में, जिसे कहते हैं धरियेन, जिसे धरियेन बोलते हैं, ठीक है। ईस्टर्न पार्ट है वो आपका आपके उधर अरावली रेंज है, उसके उधर सेमी एरिया है जो राजस्थान भागर है। वहीं पर आपको पता होगा यहाँ पर शॉर्ट सीजनल स्ट्रीम्स फ्लो करती हैं अरावली से जो निकलती हैं छोटी मोटी, और वो आपका वहां पर एग्रीकल्चर के एरिया को फर्टाइल बनाती है। और आपको पता होगा जो लूनी है वो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी क्या हो जाती है, वो आपकी खो जाती है कहां पर, रन ऑफ कच्छ वाले एरिया में। तो जो आपका ट्रैक्ट है नॉर्थ लूनी का वो इस वाले एरिया में प्लेन बनाते हैं। उसके बाद सेलीन लेक्स के बारे में पढ़े, नॉर्थ ऑफ द लूनी
देयर इज अ इनलैंड ड्रेनेज, दैट मीन जो आपका कहीं पर भी किसी ओशियन या किसी वाटर बॉडी से कनेक्ट नहीं होता उसे कहते हैं इनलैंड ड्रेनेज। तो आपको सांभर लेक के बारे में पता होगा, तो ये एक इनलैंड ड्रेनेज है जो कि सेवरल सैलीन मतलब सॉल्टी लेक्स है जो कि आपके वहां पर बनी हुई है। जैसे आपकी सांभर लेक हो गई, डिडवाना लेक हो गई, देगाना लेक हो गई, कुचामान लेक हो गई, ये इंपॉर्टेंट लेक है वहीं पर जो जयपुर में सांभर लेक है, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। क्लियर है, बेसिक चीजें, कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं है, मैं चीजें इंपॉर्टेंट जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो डिस्कस कर चुका हूं। उसके बाद हम बात करते हैं पंजाब प्लेन की, और जो पंजाब प्लेन है वो आपकी फॉर्म्ड करती है इंडस और उसकी 5 ट्रिब्यूटरी, यानी कि इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज। इसे और इंडस रिवर की जो 5 रिवर है, इंडस नहीं, इसकी जो 5 रिवर है ये बनाती है आपके पंजाब प्लेन। ठीक है, पंजाब प्लेन, और आपको पता होगा ये पॉइंट बहुत अच्छे से कि जो पंजाब प्लेन है वो आपकी इंडस की 5 ट्रिब्यूटरी और आपके बनाती है दुआब, और दुआब आपको पता है वो लैंड जो 2 रिवर के बीच में है। ठीक है, और आपको पता है पंजाब का मतलब होता है वो लैंड जो कि 5 रिवर से बना हो, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज से बना हो। ठीक है, पंजाब द एवरेज एलिवेशन इसका 250 मीटर है अबव द सी लेवल। ईस्टर्न बाउंड्री जो पंजाब प्लेन की है वो दिल्ली अरावली रिज है, उसके इधर आपका पंजाब प्लेन स्टार्ट हो जाता है इसके। वहीं पर आपको पता होगा इसका जो नदन पार्ट है, शिवालिक का फुटहिल्स है, वहां पर जो आपके चोज कहते हैं, जिसे चोज मतलब जो आपका शिवालिक से जो सेडिमेंट्स आते हैं, समझने की कोशिश करना चोज क्या होते हैं। जो आपके नदन पार्ट में ना, जो नदन पार्ट है शिवालिक के पंजाब वाले पार्ट में, वहां पर जो स्ट्रीम है जब वो इरोड करती है रॉक्स को, तो न्यूमेरस स्ट्रीम्स है ना इरोड करके चोज का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, चोज का फॉर्मेशन करती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वहीं पर जो साउथ ऑफ सतलज आपका मालवा प्लेन मिलेगा पंजाब में। ठीक है, एरिया बिटवीन घाघर एंड यमुना वो आपका हरियाणा वाले पार्ट में, जिसे हम हरियाणा ट्रैक्ट कहते हैं, और यमुना एंड सतलुज है वो वाटर डिवाइड की तरह वर्क करता है। ठीक है, जो आपका हरियाणा, इट एक्ट एट अ वाटर डिवाइड बिटवीन यमुना एंड किसके, सतलज रिवर के बीच में, हरियाणा वाला पार्ट है। ठीक है, ओनली रिवर बिटवीन यमुना एंड सतलज इज घाघर विच इज कंसिडर्ड प्रेजेंट डे सक्सेसर ऑफ लेजेंडरी सरस्वती रिवर। जो सरस्वती रिवर है जो बोलते हैं हम, हमारी अब दिखती नहीं है, सरफेस नीचे से फ्लो करती है, वो आपकी बिटवीन यमुना और सतलज के ओनली रिवर। ठीक है, उसके बाद गंगा प्लेन, आपको पता है गंगा प्लेन बेसिकली दिल्ली से लेके जो कलकत्ता है, और ये किसी भी रिवर के द्वारा बनाया हुआ लार्जेस्ट ट्रैक्ट है जो कि 3.7 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक स्प्रेड है आपका। ठीक है, गंगा अलोंग विद इट्स लार्ज नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज ओरिजिनेटिंग इन द हिमालयस हैव ब्रॉट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एल्यूवियम। आपको पता है गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज घाघर, गंदा, गोमती, सोन, ये सारी क्या कर रही है, ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेट में गंगा प्लेन का फॉर्मेशन कर रही है। वहीं पर कुछ आपको बताया था पेनिनसुलर रिवर भी है जो गंगा प्लेन के फॉर्मेशन में पार्ट करती है, चंबल, बेटवा, केन, सोन, जो कि गंगा रिवर सिस्टम के साथ ज्वाइन करती है और कंट्रीब्यूट करती है टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेट इंडियन प्लेन या ग्रेट गंगा प्लेन। ठीक है, और आपको पता होगा उसके बाद आपकी लीव्स बनती हैं। व्हाट इज लीव्स, लीव्स क्या होती हैं, बेसिकली ये मेरी रिवर है, तो ये रिवर क्या करती है जब अपने साथ सेडिमेंट्स डिपॉजिट करती है यहां पर, तो इस वाले एरिया को कहते हैं लीव्स। उसके बाद आता है ब्लफ्स। अब बोलोगे सर व्हाट इज ब्लफ्स, जहां तक इस रिवर का फ्लड प्लेन एरिया होगा, ये रिवर है, इसके अपना कभी कभी आपको पता है वाटर लेवल हाई हो जाता है, तो जहां तक इसका वाटर लेवल जाएगा, जहां तक इसका फ्लड एरिया जाएगा, उस एंड एरिया को दोनों तरफ बोलेंगे ब्लफ। क्या बोलेंगे, ब्लफ। और लिवीज क्या होगा, जहां पर ये सेडिमेंट्स इसके कोर स्पेस पे बैंक पे डिपॉजिट होते हैं उन्हें लिवीज बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा एक तरह से लिवीज को, अगर मैं बात करूं, आपने बांध देखा होगा, तट बांध बोलते हैं हम इसे, जैसे हम बोलते हैं कि ये रिवर है, बांध है, वो टूट जाएगा तो रिवर का फ्लड प्लेन फ्लो करने से, तो लिवीज एक तरह से बांध होता है, तट बांध बोलते हैं इसे। अगर मैं हिंदी में बिल्कुल सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूं, जो बांध होता है उसे लिवी बोलते हैं, और जहां तक इसका फ्लड प्लेन है, दैट मीन जहां तक रिवर अपने वाटर को जब इसका लेवल हाई हो जाता है लेके जाता है दोनों तरफ, अपने दोनों पाथ पे, दोनों बैंक पे, तो उसे ब्लफ बोलते हैं। और आपको पता होगा ऑक्सबो लेक क्या होती है, जब रिवर हमारी मिनिंड्रिंग करना स्टार्ट करती है और इसका जो मेन पार्ट होता है ये वाला, ये कट हो जाता है आपकी मेन रिवर से और आपका पीछे लेक का फॉर्मेशन होता है जिसे हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक। और ये बहुत बार बता चुका हूं,
मार्सिस हो गया, रिवाइंस हो गया, ये आपके ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन में बनते हैं, ठीक है। और आपको पता होगा जो ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन है इसमें बहुत सारी रिवर्स है, उनकी ट्रिब्यूटरी है। जैसे एग्जांपल कहूं कोसी के बारे में, ये क्या है, ये आपका सौरभ बिहार है जो फ्लड्स लेके आती है, अपने कोर्सेस को चेंज करती है, अपने पाथ को चेंज करती है। जो अपने पाथ को चेंज करेंगी तो उनका जो वॉटर है वो दूसरे पाथ में डाइवर्ट हो जाएगा और उस एरिया में चला जाएगा जहां पर ह्यूमन सेटलमेंट रहता है। ह्यूमन सेटलमेंट रहने के कारण वहां पर फ्लड होता है और वहां पर डिजास्टर क्रिएट करता है। कोसी रिवर इज वेरी नोटोरियस इन दिस रिस्पेक्ट एंड इट इज नोन एज सौरव बिहार, जिसे सौरव बिहार बोलते हैं। अगर हम बात करें रीजनल डिवीजन के बेसिस पर कि हमारा जो प्लेन्स है, अगर हम उन्हें रीजनल डिवीजन पर बेसिस कि किस एरिया में, ऐसे रोहिलखंड प्लेन्स हो गया, अवध प्लेन्स हो गया, समझना ये भी आपका, फिर उसके बाद है मिठाला प्लेन्स हो गया आपका, मगध प्लेन हो गया, ये आपके रीजनल बेसिस पर है कि जो रीजन है वहां पर, जैसे रोहिलखंड हो गया, मगध हो गया, रीजन के अकॉर्डिंग है। उसके बाद गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, नहीं पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर डेल्टा की फॉर्म में सेडिमेंट्स को कलेक्ट करती है और फॉर्म्ड करती है डेल्टा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट, जिसे हम बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर करती है। द स्लोप ऑफ लैंड इज हेयर इज 2 सेंटीमीटर पर किलोमीटर एंड 2/3 आर 30 मीटर अबव द मीन सी लेवल, ठीक है ये वाला एरिया। द सीवर्ड फेस, जो आपको पता होगा यहाँ पर डेल्टा का फॉर्मेशन है और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है जो कि सी का पार्ट है, इंडियन ओशियन का, तो सीवर्ड फेस ऑफ द डेल्टा इज सड विद लार्ज नंबर ऑफ एस्चुरीज, मड फ्लैट्स, मैंग्रोव स्वैम, सैंड बैंक्स एंड आइलैंड्स एंड फोरलैंड। तो ये बहुत सारे मडलैंड्स, मैंग्रोव फॉरेस्ट, सैंड बैंक्स, आइलैंड यहाँ पर आपको मिल जाएंगे इधर वाले पार्ट में। अ लार्ज पार्ट ऑफ कोस्टल डेल्टा इज कवर्ड बाय द टाइडल फॉरेस्ट, जो टाइडल अगर मैं बात करूं वो है सुंदरी फॉरेस्ट, जिसे हम मैंग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं, जो कि वहां पर सुंदरी फॉरेस्ट के नाम पर ही उसका नाम रखा गया था सुंदरबन डेल्टा, क्योंकि वहां पर सुंदरी ट्रीज की बहुत ज्यादा मिलते हैं जिसके नाम पर सुंदरबन डेल्टा रखा गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्रा प्लेन की, दिस इज आल्सो नोन एज अ ब्रह्मपुत्रा प्लेन और असम वैली, जो कि असम में ब्रह्मपुत्रा रिवर आपका फॉर्म्ड करती है। वेस्टर्न पार्ट आपका जो ब्रह्मपुत्रा फॉर्म, वेस्टर्न बाउंड्री इज फॉर्म्ड बाय द इंडो बांग्लादेश बॉर्डर एज वेल एज द बाउंड्री ऑफ लोअर गंगा प्लेन, जो इसका एक बाउंड्री क्या करती है आपकी, जो इंडो बांग्लादेश बॉर्डर है वो करती है, वहीं पर आपका जो ईस्टर्न बाउंड्री है वो पूर्वांचल करती है, किसका, ब्रह्मपुत्रा का, ठीक है। वेस्टर्न बाउंड्री या नदन बाउंड्री कौन करती है, असम के, जो आपका बांग्लादेश बॉर्डर है। ईस्टर्न क्या करती है, जो आपका पूर्वांचल हिल है, जो कि नॉर्थ ईस्ट में ब्रह्मपुत्र प्लेन का, और ये एग्रीडेशनल प्लेन से फॉर्म्ड हुए हैं, दैट मींस डिपोजिशनल वर्क ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरीज तीस्ता एंड मैनी मोर, जिसकी उससे ब्रह्मपुत्र प्लेन का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, ओके। ट्रिब्यूटरीज ब्रांच आउट इन मैनी चैनल्स और उसके बाद मिनिंड्रिंग करना स्टार्ट कर देती हैं, मिनिंड्रिंग मतलब इस तरह कर्वी वे में मूव करना स्टार्ट कर देती हैं, एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक का फॉर्म्ड करती है, बता चुके। ये बेसिकली आपको पता होगा तराई रीजन का भी फॉर्मेशन हो जाता है। अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस क्या क्या है प्लेन्स के, प्लेन्स क्यों इंपॉर्टेंट है। 1/4 ऑफ द लैंड ऑफ द कंट्री ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, दैट मीन जो आपका ये प्लेन एरिया है इंडिया की, 25% पॉपुलेशन इसी आपके ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन में रहते हैं। ये फर्टाइल एल्यूवियल सॉइल है जहां पर आपका एग्रीकल्चर के लिए बहुत यूनिक, बहुत ही यूजफुल है। फ्लैट सरफेस है, स्लो मूविंग पेरिनियल रिवर है, दैट मीन जो रिवर हाई स्पीड से माउंटेन से आती हैं वो इन प्लेन्स में स्लोली आराम से मूव करती हैं। अच्छा क्लाइमेट है, ना बहुत ठंडा ना बहुत ज्यादा गर्म, और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इरिगेशन के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटीज अवेलेबल है, कैनाल्स हैं, ट्यूबवेल्स हैं, सारी चीजें हैं। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज नोन एज द ग्रेनरी ऑफ इंडिया, दैट मीन्स यहाँ पर वीट प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर के लिए ये एरिया, यह मान के चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत यूजफुल है, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें एंटायर प्लेन एक्सेप्ट थार डेजर्ट, जो हमारा राजस्थान में थार डेजर्ट है उसे छोड़ के बेसिकली यहाँ पर आपके रोड रेलवे नेटवर्क भी बहुत अच्छे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत अच्छा है, अर्बनाइजेशन बहुत अच्छा है। थार डेजर्ट में क्यों रोड रेलवे नेटवर्क अच्छा नहीं है कोई बताएगा, क्योंकि अगर कौन बताएगा कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए। ये सर इसलिए अच्छा नहीं है, जो थार डेजर्ट है अगर हमारा
फ्लो करें, अगर हम यहाँ पर थार डेजर्ट में रेलवे ट्रैक बनाते हैं तो जब रेल इसके ऊपर से आपकी मूव करेगी तो ये ट्रैक कहीं ना कहीं सेटल नहीं हो पाएंगे, धस जाएंगे नीचे, दब जाएंगे डेजर्ट के अंदर, तो यहाँ पर इजिली आपके रेलवे नेटवर्क फैले हुए नहीं है। वहीं पर हम बात करें कल्चरल टूरिज्म के बारे में, रिवर लाइक गंगा एंड यमुना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर फॉर हिंदूज। हम बोलते हैं गंगा माँ और यमुना हमारे लिए जो त्रिवेणी संगम है उस संगम को बहुत पवित्र मानते हैं, सरस्वती गंगा यमुना का, इसी वजह से कल्चरल टूरिज्म के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं पर आपको पता होगा इन्हीं रिवर्स के चारों तरफ इन्हीं प्लेन्स में जो बिहार मगध प्लेन्स है यहाँ पर बुद्धिज्म जैनिज्म धर्म भी बहुत अच्छे से फ्लरिश्ड हुए हैं, फूले और फैले हैं। भक्ति और सूफी मूवमेंट भी इस एरिया में काफी अच्छे से आपका स्प्रेड हुआ है इन एरियाज में। अब मुझे फटाफट आप जल्दी से बताइए किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो जो हमने प्लेन्स को डिस्कस किया आज, ठीक है गाइज। और कल आपको पता है कल हम बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं कि मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो पॉलिटी की मॉर्निंग में 11 AM पे क्लास होती है, आज से ही हमने इंडियन पॉलिटी स्टार्ट की है प्री प्लस मेंस के साथ, स्पेशल क्लास है, फ्री स्पेशल क्लास है, अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे आपको, रेगुलर अभी से ज्वाइन कर लीजिए जितना जल्दी हो ताकि आपके लिए बेनिफिशियल हो, वहां पर आपको सारा डाटा मिल जाएगा तो जिसकी उससे आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। अभी कोई डाउट है मुझे मेंशन कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, आपको कोई भी इशू हो किसी भी तरीके का कि आपको कहीं पर PDF की रिक्वायरमेंट है, नोटिफिकेशन क्लासेस से रिलेटेड, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और मेरा टेलीग्राम चैनल है Unacademy_AnirudhMalik, यहाँ पर आपको PDF नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओके गाइस, फिर मैं बोल रहा हूँ अगर आप सीरियस हैं, ज्यादा टाइम नहीं है, 5 से 6 मंथ फॉर नेक्स्ट ईयर आपका जो UPSC का एग्जाम है, तो जितना जल्दी हो सके सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, अभी भी टाइम है, अगर मेहनत से करेंगे एज मेरे गाइडेंस के साथ करेंगे तो डेफिनेटली सेलेक्ट हो सकते हैं, फिर मेंस में भी 4 मंथ्स बचता है तो अभी भी सफिशियंट टाइम है। तो गाइज दिस इज द कोड कैपिटल AM10, जितना जल्दी हो सके यूज करके सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। एज अ गाइड एज अ मेंटर मैं आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करूंगा फ्रॉम द डे वन, कैसे चीजें कवर करनी है, कैसे नहीं करनी, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, क्या शेड्यूल होना चाहिए, कौन सी बुक लिस्ट कवर करनी है, सब चीज में आपकी हेल्प आउट करूंगा। सो प्लीज चीजों में डिले मत कीजिए, कोई भी इशू आता है मुझे आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे चैन ज्वाइन कर लीजिए या मेरी पुरानी वीडियो से मेरा कॉन्टेक्ट नंबर या टेलीग्राम से लेके मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन है, किसी में भी कोई इशू आता है। ओके गाइस, सो आज की क्लास फिर यहीं खत्म करते हैं, थैंक यू, बाय, टेक केयर, गुड नाइट, फिर कल मिलते हैं मॉर्निंग में 11 AM, जिसमें हम बात करेंगे हमारा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का कुछ थोड़ा सा पार्ट था वो डिस्कस करेंगे और हमारा मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फिर हम स्टार्ट कर देंगे प्रेम्बल, उसके बाद हमारे फंडामेंटल राइट्स, आपका इंडियन सिटीजनशिप टूरिज्म, आपका इंडियन सिटीजनशिप के जितने भी वो है वो डिस्कस करेंगे, DPSP पूरा अल्टीमेट मेंस प्री सब कुछ बहुत अच्छे से होगा। सो मॉर्निंग में 11 AM फ्री स्पेशल क्लास है Unacademy ऐप पर, उसे ज्वाइन जरूर कर लीजिए। ओके गाइस, सो आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर।